तो दोस्तों, आज आप एक ऐसी कहानी को देखने जा रहे हो जो आपकी सोच को हिला देगी। हीरो की स्टोरी तो बहुत देखी होगी, लेकिन इस बार बात एक विलेन की है। एक ऐसा ओवर पावर विलेन जो अपने तरीके से दुनिया को बदलने निकला है। ये कहानी एक अलग ही दुनिया में सेट है, जहां हर मोड़ पर सरप्राइज है और हर पल में एक नई ट्विस्ट। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सोचते हो यह तो बस एक विलेन की कहानी है, इसमें खास बात क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इस विलेन की दुनिया इतनी थ्रिलिंग और मिस्टीरियस है कि आप एक बार शुरू करने के बाद इसे अंत तक पकड़े रखोगे। तो बस अंत तक देखना, क्योंकि कहानी अभी तो शुरू हुई है। स्टोरी के स्टार्ट में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अब मर चुका था, और उसके बगल में खड़ा एमसी बड़े ही बुरी तरह से उसे देखते हुए सोच रहा होता है, मेरे दादाजी मर चुके हैं, उन्हें दो टुकड़ों में अलग करके मार दिया गया, पर फिर भी मेरे आंसू क्यों नहीं निकल रहे हैं और ना ही मुझे दुख हो रहा है। आखिर मैं किस तरह का इंसान हूँ, वे मेरे इकलौती फैमिली थे। हम देखते हैं पास्ट में उन दोनों का रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इतना कि उन्हें दूसरों का कोई परवाह नहीं होता है। वे दोनों एक दूसरे में ही बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर एक दिन एमसी दादाजी अचानक ही उससे कहते हैं, जोंग क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? जिस पर कि जोंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर आप इस तरह बात क्यों कर रहे हो? दादाजी बताते हैं, तुम्हारा असली नेचर तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है, इसीलिए हो सके तो कभी भी इसे दूसरों को मत दिखाना। इन सारी चीजों को याद करता हुआ प्रेजेंट में एमसी वह बुरी तरह से पागल होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा दादाजी, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं आपसे किया हुआ वादा वह निभा पाऊंगा। अगले सीन में हम जोंगरोंग विलेज को देखते हैं, जहाँ पर कि कई सारे कैरेज जा रहे होते हैं, और उन्हें देखते हुए कई सारे लोग आपस में बात करते हुए बोल रहे थे। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ की चोटियों से उन्होंने कई सारे डाकुओं को पकड़ लिया है, उनके साथ तो कई सारे छोटे मोटे क्रिमिनल भी हैं। आखिर उन लोगों ने उन सबको यहाँ पर जिंदा क्यों लाए हैं, उन्हें तो वहीं पर मार देना चाहिए था। उन सभी की बातों को बगल के इन में बैठा हुआ एक बंदा बड़े ही गौर से सुन रहा होता है, और कैरेज में बंद एमसी को देखते हुए कहता है, वह काफी जवान लगता है, ऐसा लग रहा है कि वह यंग मास्टर की उम्र का ही होगा। तो वहाँ पर एक और बंदा हुए उसे बताता है, उसकी छोटी उम्र से धोखा मत खाइए, वह इतनी छोटी उम्र में उन सभी कैदियों से ज्यादा क्रूर है। जिस पर कि वह बंदा कहता है, हाँ यह तो पूरी तरह से स्पष्ट है, तभी तो उसे एस्कॉर्ट वैगन में फेंक दिया गया है। उसके सामने वाला बंदा जो कि सुन बताता है, यह बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात है कि इस पर यकीन करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसने केवल एक हसुए के साथ बहुत सारे लोगों को एक ही बार में मार डाला, जिसके चलते सभी लोगों ने उसका नाम रख दिया है सेकिथ डीमन, जो कि हेवन तक को हिला दिया। पर खैर मेरे फेमस मार्शल आर्टिस्ट, आप इस बार कौन सी रिक्वेस्ट को लेकर आए हैं? वह बंदा बताता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए किसी को ढूंढो, कोई ऐसा जिससे कि आसानी से बचाया जा सके। ये सब बोलता हुआ वह जैसे ही एमसी की ओर देखता है तो लोगों से पत्थर मारते हुए गालियां दे रहे होते हैं। वह बंदा भी जिसे कि देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एमसी के चेहरे की ओर जाता है, और वह बुरी तरह से हैरान हो जाता है जबकि दूसरा बंदा एमसी के चेहरे को देखता हुआ कहता है, अरे बाप रे, इस देश की सबसे खूबसूरत महिला भी उसके सामने फीकी पर जाएगी, आखिर एक साइकिथ डीमन इतना सुंदर कैसे हो सकता है? तभी उसके बगल में बैठा हुआ बंदा कहता है, मैंने तुमसे जो पहले रिक्वेस्ट किया था उसके बारे में भूल जाओ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जबकि उसके साथ वाला बंदा उसे आवाज लगाते हुए कहता है, सर जैम रुक जाइए, मुझे यहाँ पर बुलाकर आप इस तरह यहाँ से नहीं जा सकते। पर जैम उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान ना देकर वहाँ से बाहर निकलकर जाते हुए सोचता है, मैंने ढूंढ लिया एक परफेक्ट मैच। अगले सीन में हम जोंगरोंग इनर कासल जोमुख जेल को देखते हैं, जहाँ पर कि जोंग को बंद किया गया था, लेकिन फिर भी वह इन सारी चीजों का परवाह न करते हुए अपने मन में सोचते हुए कह रहा था, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, वह आदमी सच में इम्प्रेसिव था। मैं भले ही अपने दादाजी के दुश्मन को ढूंढने में कामयाब हो गया, पर वह बिल्कुल ही अलग लेवल पर था। उसने मुझे तब तक पीटा जब तक कि मैं उस हाल में नहीं पहुंच गया जहां मैं अपनी एक उंगली तक नहीं उठा सकता था। यदि मैं उससे दोबारा मिलता हूं तब भी यह सिचुएशन सेम ही होगा, चाहे फिर मैं इसके बारे में जितना भी सोच लूं, क्योंकि वह एक मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे मार पाऊंगा, क्या मुझे भी मार्शल आर्ट को सीख लेना चाहिए, इससे क्या मेरे पास दूसरा मौका होगा? ये सब सोचता हुआ अचानक ही उसकी नजर अपने अगल बगल जाता है, जहां पर कि हल्का हल्का धुआं फैलना शुरू हो गया था। वह जिसे देखते हुए कहता है, आखिरकार यह किस तरह का धुआं है, क्या कहीं पर आग लगी हुई है? नहीं रुको, यह गंध तो बेहोशी की है। हम देखते हैं थोड़े ही समय बाद पहरा दे रहे दोनों गार्ड बेहोश हो जाते हैं, और जोंग को भी देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो
वो भी बेहोश होता हुआ जा रहा है। आगे कुछ समय बाद उस प्रिजन का गेट खुलता है और उसके अंदर कोई दो आता है, जो कि जैसे ही एमसी को देखने के बाद उसके हाथों को खोलता है, तभी जंग बुरी तरह से अपनी आंखों को खोलता हुआ उसकी ओर देखता है। बाद में उसे एक खतरनाक हिट को देने के बाद मुझे पता नहीं यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन अभी मेरे पास मौका है। सौभाग्य से वह जहर घटिया था, पर अचानक ही उसे कोई चीज आकर हिट करता है और उसके सारे एक्यूपंचर पॉइंट बंद हो चुके थे। वही वह बंदा जैम बोल रहा था, अब तुम कहीं पर भी नहीं भाग सकते कीड़े कहीं के। उसे इतना तेज देख जंग कहता है, आखिरकार यह कमीना मेरे पीछे कब आया। उतने में उसे दोबारा एक जोरदार हिट पड़ता है और वह दीवार के साथ चिपकते हुए कहता है, क्या यह भी एक मार्शल आर्टिस्ट है? कोई रास्ता नहीं है, यह वही है। भले ही यह उसके जैसा दिखता हो जिससे कि मैं पहले टकराया था, लेकिन यह बिल्कुल ही अलग है। इतने में ही वहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर कहता है, सर जैम, क्या यह वही है? तो जैम बताता है, माय लॉर्ड, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको बाहर ही रुकना चाहिए था, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर कि वह बंदा बताता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं पहले कभी भी जेल के अंदर नहीं आया हूँ, इसीलिए मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था, लेकिन अब मुझे घिन आ रही है, यहाँ पर तो कितना सारा बदबू है। खैर, इस आदमी को ऊपर उठाइए, मैं इसके चेहरे को देखना चाहता हूँ, और मेरे लिए कुर्सी को लाइए। जैम, जो कि सुन एमसी को संभालते हुए उसे बैठाता है। वही वह बंदा एमसी को देखते हुए कहता है, सच में यह तो बिल्कुल ही वैसा ही दिखता है। दूसरी तरफ उस बंदे के चेहरे को देख जोंग भी बुरी तरह से हैरान हो चुका था, जिसका कारण उन दोनों का चेहरा सेम था, मानो कि वो दोनों जुड़वा भाई हो। पर यह बंदा कहता है, यह देखते हुए कि अचानक से ही मेरा कोई हमशक्ल वह प्रकट हो चुका है, तो इससे अधिक अजीब रिलेशन शायद ही कोई हो सकता है। यह कितना सरप्राइज की बात है कि तुम बिल्कुल ही मेरे जैसा दिखते हो। वही एमसी की तो अपने सामने के नजारे को देख मुझसे आवाज भी नहीं निकल रहा था, लेकिन वह बंदा कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है और अब तुम्हारे पास बस दो दिन की जिंदगी बची हुई है। जिस पर कि एमसी कहता है, हाँ तुम सही हो। तो वह बंदा बताता है, तुम्हारा भाग्य तो सच में बहुत बुरा है, एक जैसा चेहरे के साथ पैदा होने के बावजूद भी मेरे भाग्य में नोबल बनना तय है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में मरना लिखा है। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के आखिरी अपॉर्चुनिटी को देता हूँ अपने भाग्य को बदलने की। मेरा छाया बन जाओ और ग्रैंड हियोनमोक फैमिली के तीसरे बेटे ग्योंग हुन मोक के रूप में बदल जाओ। ज्योंग, जो कि सुन अपने मन में कहता है, क्या सच में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है? वही वह बंदा बता रहा होता है, तुम्हें बस मैनर के अंदर चुपचाप रहना है और अद्भुत खाने के साथ आरामदायक बिस्तर पर सुंदर नौकरानियों के साथ मजे करना है। मेरा मतलब है कि तुम उन सारी चीजों को एंजॉय कर सकते हो जो कि कभी भी तुम अपने किसान के जीवन में नहीं कर पाए। बाद में जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा कि तुम अपनी फ्री लाइफ यहाँ से दूर जाकर जी सकते हो। अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो ये लो और इसे खा लो। जोंग, जिस पर कहता है, क्या यह जहर है? तो जैम बताता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुम्हारे जैसे सैकित डीमन पर भरोसा करेंगे? एक बार काम पूरा हो जाए तब हम इसका एंटीडोट तुम्हें दे देंगे, इसीलिए जल्दी करो और इसे खा लो। जिसको कि देखता हुआ एमसी अपने मन में कहता है, दादाजी मुझे एक और मौका मिल चुका है। इतना सोचते हुए जब वह पीछे बैठा अपने हमशक्ल की ओर देखता है तो वह बड़े ही साइको लुक को दे रहा था, इसीलिए वह उस पिल को गटकने के बाद अपने अंदाज में आते हुए उसे पूछता है, क्या तुम मुझे इस अपॉर्चुनिटी की गारंटी दे सकते हो? तो वह बंदा कहता है, हाँ क्यों नहीं, बेशक। सर जैम, इसके एक्यूपंचर पॉइंट को रिलीज कर दीजिए और इसके हथकड़ियों को खोल दीजिए। जिस पर कि वह बंदा तुरंत ही बिना एक पल की देरी किए एमसी को आजाद कर देता है। बाद में वो कहता है, मैं आगे चलूंगा, आप पीछे रहिएगा माय लॉर्ड। तो वह बंदा कहता है, मैं तुमसे आगे चलूंगा। जिस पर कि जोंग बिना कोई सवाल को उठाए उनके पीछे जाने के लिए तैयार हो गया था। वहीं जैम बाहर निकलने के बाद सब कुछ चेक करने के बाद कहता है, रास्ता साफ है, मेरे पीछे आइए। ये सब बोलता हुआ वह अपने पीछे देखता है तो उसकी दुनिया पलट चुकी थी। जोंग लॉर्ड के सर को पकड़ा हुआ एक साइको वाली हंसी हंस रहा था, जिस पर कि यह बंदा जैम वह कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके लॉर्ड की गर्दन वह टूट चुकी थी। जबकि जोंग हंसते हुए कहता है, ओह माय गॉड, अब सर जैम हम क्या करें, नकली तो मर चुका है। उसके इतना बोलते ही हम अतीत में देखते हैं आखिरकार जोंग यहाँ तक कैसे पहुँचा। दादाजी के मरने के बाद जोंग पूरी तरह से पागल हो चुका था और अब उसे बस ब्लड चाहिए था, जिसके चलते वह उन हर एक इंसान को मार दिया जो कि उसके दादाजी की मौत में शामिल थे। बिना एक पर भी दया को दिखाए उसे बस बदला चाहिए था। और आखिर में जब उसने सैकड़ों इंसानों को खत्म कर दिया तब उसे एहसास हुआ कि उसका असली नेचर क्या है। उसके अंदर प्योर इविल समाई थी जिसे लेकर दादाजी ने चेताया था, इसे कभी भी किसी दूसरे इंसान को मत दिखाना। पर अब उसे इन सारी चीजों का कोई परवाह नहीं था, उसे बस ब्लड चाहिए था। लेकिन तभी वहां पर कोई मार्शल आर्टिस्ट आकर उसे रोक देता है और काफी ही बड़ा हिट उसे देता है।
जोंग जिसको देख कुछ भी नहीं समझ पाया होता है और सोच रहा होता है आखिरकार यह बंदा है कौन। वही वह पर्सन कहता है, अरे यार तुम अभी भी जिंदा हो, यह तो काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन लगता है अब तुम ज्यादा देर तक बचोगे नहीं। लेकिन उसी समय उसे एहसास होता है कि जोंग कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, वह बस एक नॉर्मल सा इंसान है। तो वह तुरंत उसके पास आकर उसे गले से उठाता हुआ कहता है, यह कितना इंटरेस्टिंग है। वही जोंग सोच रहा होता है, यह बंदा बहुत ही ज्यादा तेज है, क्या वह सच में कोई ह्यूमन है भी या फिर नहीं। दूसरी तरफ वह बंदा कह रहा होता है, मुझे आश्चर्य है एक मामूली सा इंसान होकर हमारे राज को बाहर निकालने की तुम कोशिश कर रहे थे, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। जबकि एमसी सोच रहा होता है आखिरकार वह कौन सी राज की बात कर रहा है। ये सब सोचता हुआ वह आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह पर्सन अपने स्वर को उसके आर पार कर देता है और जोंग बस एक भयानक चीख के साथ चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता। वही वह पर्सन बताता है, बिना किसी मार्शल आर्ट को सीखे हुए भी तुम अगर मेरे अटैकों को सर्वाइव कर सकते हो तो तुम्हें यहीं पर मर जाना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में कभी भी दोबारा प्रॉब्लम में ना पड़े। तुम्हारा भाग्य अब यहीं पर खत्म होता है, तुम्हें कभी भी अपने सीमा से बाहर निकल कर अपनी जिंदगी को छोटा करने से पहले जरा सा तो सोचना चाहिए था। अगर तुम अपने काम से काम रखते तो तुम्हारी लाइफ और लंबी हो सकती थी। जोंग जो कि सुन अपने मन में कहता है, इसके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कर पाया जिसकी तलाश मैं इतनी बेसब्री से कर रहा था, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। पर कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वह हमें बताता है, मैं नहीं मरा था और मुझे मौत की सजा मिली है, अगर मुझे दूसरा मौका मिलता है तो मैं इसे कभी भी नहीं जाने दूंगा। उसके इतना बोलते ही हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं जहां पर कि वह यंग लॉर्ड को पकड़े रखा था और उसके गर्दन को बिना कुछ सोचे वहीं पर तोड़ता हुआ एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, अब आगे हम क्या करने वाले हैं, मैंने तो नकली वाले को मार दिया। उसके इतने भयानक रूप को देख जैम तुरंत ही उस पर अटैक कर दिया होता है और एक बड़े ही खतरनाक हिट के बाद उससे कहता है, तुम डीमन कहीं के हरामखोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग लॉर्ड को मारने की, क्या तुम अपनी जिंदगी से इतनी जल्दी बोर हो चुके हो। जोंग जिसको कि सुन बोलता है, तुम बेवकूफ कहीं के, क्या तुम अपनी तरह मुझे भी समझते हो, मेरे साथ डबल खेल खेल के मैं उसकी ढाल बनकर रहता और बाद में मर जाता, क्या सच में तुम लोगों ने सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा। ये सब बोलता हुआ वो अपने मन में सोचता है, उसकी पकड़ यह बहुत ही ज्यादा मजबूत है। वह जैम कहता है, क्या तुमने यह कभी भी नहीं सोचा कि ऐसा करने के बाद मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो जोंग बताता है, अगर तुम मुझे मारने वाले थे तो तुम उसी समय मुझे मार देते जब मैंने तुम्हारे यंग लॉर्ड को मारा था, पर यह देखते हुए कि तुमने अभी तक मुझे नहीं मारा है तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हें उससे कोई भी ज्यादा लगाव नहीं था। जैम जो कि सुन और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और तुरंत ही उसे जमीन पर पटकते हुए कहता है, बेवकूफ अपने इस कचरे मुंह को बंद कर ले, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिस पर जोंग कहता है, क्या सच में, अगर ऐसी बात है तो शौक से मुझे मार डालो, मैं भी तो देखना चाहता हूँ आखिर तुम क्या कर सकते हो। वैसे भी तुमने जो मुझे जहर दिया था उसे मैंने ऑलरेडी खा लिया है, तो अभी नहीं तो बाद में मैं मर ही जाऊंगा। पर अगर तुम इस सिचुएशन को जरा और ध्यान से सोचते हो तो योनमोक का तीसरा बेटा अब तुम्हारा वफादार कुत्ता बन चुका है। जैम जिस पर कहता है, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मैं अपने लॉर्ड को धोखा दे दूं और उनके हथियारे को अपने कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करूं। जोंग जो कि सुन स्माइल करने लगता है, जिस पर कि जैम उसकी उस मुस्कुराहट से भरी चेहरे को थोड़ी देर तक देखने के बाद कहता है, चलो ठीक है। इसी के साथ वह अपने खंजर को उस पर चला देता है। पर अगले सीन में हम देखते हैं उसका वह खंजर जोंग के बगल में जाकर लगा था, जिसको कि वह बाहर निकालते हुए कहता है, तो अब आगे क्या। जोंग जिस पर कि बस एक ही लाइन बोलता है, मेरा नाम जोंग हुन मॉक है। इतना बोलते हुए उसकी डेविल हंसी को देख लो, मतलब कि उसने अपना नाम चेंज कर दिया है तीसरे बेटे के नाम से। अगले सीन में एमसी को लेकर जैम योनमॉक फैमिली के अंदर पहुंच चुका था, जहां पर कि वह उसे बताता है, अब से तुम किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं मिलोगे। एमसी जिस पर कि कहता है, अरे यार इसका मतलब तो मैं अभी भी एक छाया से कुछ भी अलग नहीं हूँ। जैम जिसको सुन कहता है, आगे से तुम कोई भी सवाल नहीं पूछोगे क्योंकि तुमने साइडो बनने के बजाय कठपुतली बनना स्वीकार किया है, और अगर तुम पकड़े जाते हो तो मैं पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने वाले एंटीडोट को तुम्हें नहीं दूंगा। तो जोंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया। जो सुन जैम उसे धमकाते हुए कहता है, हालांकि तुम मेरे आदेशों के विरुद्ध गए या फिर कुछ भी मजेदार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगा, तो हमेशा इसे अपने दिमाग में रखना। एमसी बताता है, कितनी बार समझाओगे, मैं समझ चुका हूँ। जैम जिस पर उसे एक और एंटीडोट को देते हुए कहता है, तुम घटिया आदमी, यह पहला एंटीडोट है, यदि इस दवा को तुम 24 घंटों में एक बार नहीं लेते हो तो जहर पूरे शरीर में तुम्हारे फैल जाएंगे, तो इसे मत भूलना। अगली सुबह हम देखते हैं जोंग कहीं पर बैठा हुआ सोच रहा था, मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ जो मेरे पेट
पेट और छाती में चाकू लगने के बावजूद भी मैं बच गया। साथ ही मुझे एक मौका भी मिल गया जब मैं अपनी मौत के इतने करीब पहुंच गया था। क्या मेरे दादाजी नहीं चाहते हैं कि मैं उनके साथ शामिल हूं? तो ठीक है दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, जब तक कि मैं आपका बदला नहीं ले लेता तब तक मैं आपके साथ शामिल होने का प्लानिंग नहीं बनाऊंगा। उन्हें लग रहा होगा कि मैं तो मर चुका हूं, क्योंकि अब तक उन्हें योनमॉक का लाश जेल में मिल चुका होगा। बस अब मुझे पावरफुल मार्शल आर्ट फैमिली योनमॉक के यहाँ तीसरे बेटे बनकर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी है, और फिर मैं उस आदमी को ढूंढूंगा जिसने कि मेरे दादाजी को मारा है, जिसके बाद मैं उसका भी सेम वही हाल करूंगा। कुछ समय बाद वह खाना खाते हुए सोच रहा होता है, अरे यार मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं जेल में ही हूँ। सर जैम ने यहाँ पर मुझे एक गार्ड के साथ बंद कर दिया है, यह सच में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। वहीं हम उस गार्ड को देखते हैं जिसका नाम चैन गो होता है और वह सर जैम का जूनियर था। वह बाहर खड़ा बड़े ही गुस्से में सोच रहा था, सर जैम सोच क्या रहे हैं, आखिर इस लड़के में क्या खास बात है, उसने तो मार्शल आर्ट को भी नहीं सीखा है। इतना सोचते हुए वह सर जैम की बातों को याद करता है जहाँ पर कि सर जैम ने उसे कहा था उसने यंग लॉर्ड को मार दिया है। तो यह बंदा कहता है, क्या अब हमारी प्लानिंग का क्या होगा? जैम बताता है, तुम बेवकूफ इतना शोर क्यों मचा रहे हो, तुम्हारी नौकरी बदलने वाली नहीं है, वह सेम ही रहेगी। तुम उस पर नजर रखो और सुनिश्चित करो कि वह भाग ना जाए जैसा कि हमने प्लानिंग बनाई थी। इस बीच मैं एक लंबी चलने वाली प्लानिंग के बारे में सोचता हूँ जिसके बाद हम उसे पीछे छोड़ देंगे। मतलब समझ रहे हो, ये लोग अभी भी अपने काम को खत्म होने के बाद जैम को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं है उनका पाला किससे पड़ चुका है। खैर जैम बताता है, हमें एक नया रास्ता ढूंढना होगा। तो वह बंदा चैन कहता है, लेकिन सर जैम क्या आपने नहीं कहा था कि आपने उसे पॉइजन दे दिया है? क्या हम उसे ऑर्डर नहीं दे सकते? हमने सबसे पहले तीसरे बेटे को इसलिए चुना क्योंकि, आगे वो कुछ बोल पाता तभी उसकी बातों को काटते हुए जैम कहता है, कोई भी हो सकता है लेकिन वो नहीं। जो सुन चैन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही जैम बताता है, वह अपने मौत के इतने करीब होने के बावजूद भी लॉर्ड ग्योंग को मार डाला और उसके जगह को लेने का फैसला किया। जिस सिचुएशन में हर कोई अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश करता है उस सिचुएशन में भी वह अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, वह बिल्कुल ही अलग है। उसे ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, उसके हमारे आसपास रहने से खतरा बढ़ जाएगा। ये सब बोलता हुआ वह वहां से चला जाता है और चैन इन सारी बातों को याद करते हुए प्रेजेंट में अपने मन में सोच रहा था, वह इसकी टांग यह कमीना कहीं का। वह मार्शल आर्ट भी नहीं जानता है फिर भी जहर को खा लिया, धिक्कार है लेकिन मैं सर जैम के आदेशों के खिलाफ नहीं जा सकता। ये सब सोचता हुआ वह काफी जोरों जोरों से अपने सर को दरवाजे से पीट रहा होता है, जिसके चलते जॉन्ग कहता है, अरे यार सर जैम बिना अपनी प्लानिंग को मुझे बताए दरवाजे पर गार्ड को खड़ा करके यहाँ से चले गए ताकि मैं यहाँ से कहीं भाग ना जाऊँ, पर जब से मैं यहाँ पर हूँ मैं देख सकता हूँ यह जगह खतरनाक नहीं है और न ही यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसके लिए गार्ड की आवश्यकता हो। यहाँ पर खतरा कोसों दूर है, यह जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर मैं सही से अंदाजा लगाऊं तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण उन्हें एक शैडोमैन की आवश्यकता हो। ऐसा लगता है कि वे बस मुझसे पीछा छुड़ाकर मुझे धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी तरफ चैन अब पहरा देते देते सो गया था, तभी जॉन्ग दरवाजे को खोलता है और चैन घबराते हुए पूछता है, क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? तो जॉन्ग बताता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमना चाहता था, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चैन जो कि सुन कहता है, जल्दी से अंदर वापस चले जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए हालात बदतर हो जाएंगे। जिस पर जॉन्ग उसे बताता है, तुम्हारा नाम चैन है सही कहा ना? क्या तुम्हें नहीं लगता जब तक हम चुप रहते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो चैन उसे धमकाते हुए कहता है, बास्टर्ड मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम अपनी औकात भूल रहे हो, मुझे अपने बुरे साइड पर आने पर मजबूर मत करो और चुपचाप एक अच्छी कठपुतली बनकर वापस चले जाओ। जॉन्ग जो कि सुन कहता है, मैंने सही सोचा था, तुम सर जैम से कमजोर हो। चैन जिस पर की कुछ सोच पाता उससे पहले ही जॉन्ग उसे बड़ी ही जोरदार जमीन पर पटकता है और पता नहीं जॉन्ग इसे कब सीखा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी वह चैन के सभी एक्यूपंचर पॉइंट को बंद कर दिया होता है, जिससे कि घबराते हुए चैन कहता है, यह कैसे हो सकता है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, क्या वह अपने मार्शल आर्ट को छुपा रहा था? वहीं जॉन्ग उसके एक और एक्यूपंचर पॉइंट को बंद करते हुए कहता है, क्या यह काम कर रहा है? मैंने बस सर जैम के नकल करने की कोशिश की है। चैन जिसको सुन कहता है, यह कमीना कहीं का आखिर है कौन? क्या वह यह कह रहा है कि सर जैम को बस एक बार देखने से ही इसे पूरी तरह से कॉपी कर लिया? यह हरामी सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इतना सोचने के बाद वह जॉन्ग से कहता है, hey, क्या तुम जहर के बारे में भूल चुके हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम बिना एंटीडोट के मर जाओगे, जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत होगी क्योंकि तुम्हारे शरीर के हर एक छेद से ब्लड निकल रहा होगा, इसीलिए जल्दी मुझे आजाद करो। जॉन्ग जो कि सुन उसके जबड़े को और भी जोरों से दबाते हुए कहता है, हाँ सही कहा, मैं तो लगभग इसके बारे में भूल ही चुका था। इसी के साथ वह अपनी उंगली को काटता है और अपने ब्लड
कार्ड को चैन के मुंह में डाल देता है। चैन इसके कारण बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और तुरंत ही अपने गले को दबाते हुए अपने की फ्लो को तेजी से बढ़ाते हुए कहता है, मुझे जहर को बाहर निकालना होगा। उसे इस तरह देख जंग बताता है, मैं जब अपने दादाजी के साथ था तो जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते समय सभी प्रकार के जहर को लेता था, जिसके चलते मेरा ब्लड भी अंततः टॉक्सिक हो गया और मैं केवल स्वाद और गंध से ही पता लगा सकता हूँ कि जहर के अंदर किस किस चीज का इस्तेमाल किया गया है। और अगर संक्षेप में बताऊं तो ज्यादातर जहर मुझ पर काम नहीं करता, मुझे किसी भी एंटीडोट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए चलो, जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम मुझे योनमक फैमिली के प्रेजेंट की सिचुएशन के बारे में बता सकते हो? पर हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे अंदर डाले गए पॉइजन का एंटीडोट केवल मैं ही बना सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बहुत ही ज्यादा मददगार बनोगे। चैन की तो जिस पर रोना आ गया होता है और वो अपने मन में कहता है, यह सच में एक डेविल है। अगले सीन में हम योनमक फैमिली के मेन हाउस को देखते हैं, जहाँ फैमिली हेड बुरी तरह से बीमार होकर बेड पर पड़ा हुआ था और वैद्य उसकी साफ सफाई करते हुए सोच रहा होता है, क्या हमारे पास सच में कोई रास्ता नहीं है? मैंने अपने सारे अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल करके देख लिया है, यहाँ तक कि सभी अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटियों को भी अजमा लिया है, पर इसके बावजूद भी हम इसके कारण को नहीं ढूंढ पाए। इलाज की तो दूर की बात है, यह बहुत ही ज्यादा भयानक है। माय लॉर्ड, जब आपके पास मौका था तो आपने क्यों अपने वारिस को नहीं चुना? इधर चैन जंग को बता रहा होता है, योनमक फैमिली के अंदर चार बेटे हैं, लेकिन लॉर्ड मॉक उनमें से किसी को भी अपना सक्सेसर चुनने से पहले ही बेहोश हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप फैमिली में तूफान से आने वाली शांति छा गई। यदि लॉर्ड मॉक इसी तरह बेहोशी की हालत में मर जाते हैं तो योनमक फैमिली का अगला लॉर्ड भाइयों के बीच खूनी लड़ाई से तय होगा, और अगर ऐसा हुआ तो कोई नहीं जानता है कि मास्टर की पहली पत्नी लेडी सियोक वो क्या करेगी अपने पहले बेटे और सबसे प्यारे बेटे को अपने पति के जगह पर ना होने पर। बैकग्राउंड में चैन सारी चीजें जंग को बता ही रहा होता है, जबकि इधर वैद्य के पास लेडी सियोक आती है और अपने पति को देखते हुए उससे पूछती है, अब उनकी हालत कैसी है? तो वैद्य कहता है, ग्रीटिंग माय लेडी, मैं माफी चाहता हूँ पर मुझे लगता है कि मैं अब उनका इलाज नहीं कर सकता। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि यह कोई रहस्यमय अलौकिक शक्ति है। लेडी सियोक जो कि सुन बोलती है, मुझे भी अब ऐसा ही लगने लगा है, क्योंकि हर कोई केवल यह बोल रहा है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है, लेकिन कोई भी इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास डिवाइनरी से कंसल्ट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो वैद्य कहता है, लेकिन माय लेडी, भविष्यवाणी केवल अंधविश्वास होते हैं, वैसे भी डिवाइनरी किसी फॉर्चून टेलर से अलग नहीं होता है, फिर आप कैसे इन जैसी चीजों पर विश्वास कर सकते हैं? लेडी सियोक कहती है, तो क्या मुझे चुपचाप खड़े होकर अपने पति को मरते हुए देखना चाहिए? चलो अब बस बहुत हुआ, मैंने पहले ही एक ऐसे डिवाइनरी को बुला लिया है जो कि अलौकिक शक्तियों से निपट सकते हैं। तुम अब यहाँ से जा सकते हो, हम अब अपने पति के शरीर से बुरी आत्माओं को निकाल कर ही रहेंगे, इसीलिए जब तक कि हमारा काम खत्म नहीं हो जाता किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे फिर वह कोई भी क्यों ना हो। इसी के साथ हम चैन को दोबारा देखते हैं, जो कि सारी चीजों को बताने के बाद कहता है, मैंने उन सारी चीजों को बता दिया है जो कि मैं जानता था। तो जंग थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है तो क्या अब हम चले? चैन जिस पर हैरान होते हुए कहता है, कहाँ पर और तुम सोच क्या रहे हो? जंग बताता है, हम हेड से मिलने जा रहे हैं, तो चलो और मुझे रास्ता दिखाओ। आगे चैन से पूछने पर उसे पता चलता है कि सर जैम और हसली जंग दोनों मिलकर एमसी को सामने कर देते और बड़े बेटे को भड़काकर उस पर अटैक करवा देते, ताकि ये दोनों आपस में लड़कर मर जाते। आगे हम योनमक फैमिली के चारों बेटे के बारे में जान पाते हैं। सबसे बड़ा बेटा योंग हाउ है, जो कि 20 साल का है। उसके बाएं गाल पर तिल है और वह शराबी है, जो हर एक दूसरे दिन पब जाता है। वह भाइयों में भले ही सबसे कम टैलेंटेड है, लेकिन सबसे ज्यादा लालची और सबसे क्रूर है। दूसरा बेटा यून प्योंग मॉक है, जो कि 18 साल का है। उसकी आंखें अपनी माँ लेडी सियोक से मिली है, इस कारण से वह सबसे चलाक और धूर्त है। कोई नहीं कह सकता है कि वह फैमिली का हेड बनने के लिए क्या कर सकता है। इन्हीं दोनों को सक्सेसर के पोजीशन से आउट करने के लिए सर जैम और असली जॉन्ग का प्लान था, एमसी को साथ लेकर फैमिली में आना। उन लोगों का प्लान बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा था, तो मैं आपको सीधे तौर पर बता देता हूँ। सर जैम की प्लानिंग अच्छी तरह से काम करता तो ये दोनों लाइन से हट जाते और फिर असली जॉन्ग वह बड़ी आसानी के साथ फैमिली हेड बन सकता था। पर चूंकि अब उनकी प्लानिंग फेल हो चुकी है तो सारी चीजें बदल चुकी है, इसीलिए जॉन्ग उस प्लानिंग वाले कागज को वहीं पर फाड़ देता है। वहीं पीछे जा रहा है चैन कहता है, लेकिन यंग मास्टर, आप लॉर्ड मॉक से मिलने क्यों जा रहे हो? तो जॉन्ग बताता है, क्या तुमने नहीं कहा मेरा जीना या मरना उसकी मौत का फैसला करेगा, इसीलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। चैन जो कि सुन कहता है, लेकिन सर
जैम को इसके बारे में पता चल गया तो जंग जिस पर बताता है, मुझे उम्मीद है तुम इसे सीक्रेट रखोगे, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। बेचारा चैन वो तो बिल्कुल ही खामोश हो गया था। आगे हम लेडी सियोक को दोबारा देखते हैं जिसके सामने एक बूढ़ा पर्सन खड़ा था जो कि कहता है कि अब मैं लॉर्ड मॉक से मिल सकता हूँ। लेडी सियोक जिस पर कहती है मैंने तुम्हारे मिरेकल्स के बारे में सुना है इसीलिए मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। तो डिवाइनरी कहता है शुक्रिया। इस तरह के अलौकिक मामले समय के साथ और भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस हाउस से लगभग 100 गज की दूरी पर चले जाए। उनकी उपस्थिति दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। जो कि सुन लेडी सियोक कहती है मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली है। गार्ड को छोड़कर सभी लोग कमरे से बाहर चले गए हैं। तो डिवाइनरी बताता है मुझे माफ करिएगा माय लेडी पर मुझे आपको भी यहाँ से चले जाने के लिए बोलना पड़ेगा। लेडी सियोक जिस पर की कहती है ठीक है पर तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट तो याद है ना। डिवाइनरी बताता है हाँ बिल्कुल लॉर्ड का सील और सीक्रेट किताब। तो लेडी सियोक कहती है अच्छी बात है अगर तुम उन्हें खोज लेते हो तो मैं तुम्हें 300 सिल्वर जियोन दूंगी। जिस पर की डिवाइनरी कहता है शुक्रिया माय लेडी। थोड़ी देर बाद उसे लेकर लेडी सियोक लॉर्ड के मेंशन तक पहुंच चुकी होती है और कहती है जिनकी जरूरत अभी यहाँ पर नहीं है वे सब के सब यहाँ से चले जाओ और दोबारा तब तक मत आना जब तक कि मैं तुम्हें फिर से नहीं बुलाती। साथ ही वह सोच रही होती है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं एक निकम्मे ज्योतिषी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी लेकिन इतना सोचते हुए अचानक ही उसकी नजर अपने बगल में जाती है जहाँ पर कि वह किसी को देखते हुए कहती है इंचोन। और हाँ यह चौथा बेटा होता है इंचोन मॉक जिसको देख लेडी सियोक कहती है यह नीच गीसेंग का पिल्ला। मैं उसे उस औरत के साथ खिलवाड़ करने के लिए माफ कर सकती हूँ लेकिन जहाँ तक बात है एक किसान के अपने पद का सक्सेसर बनाने की उनकी इच्छा तो मैं कभी भी उन्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगी। ये सब सोचता हुआ वह जैसे ही वहाँ से जाती है हम देख पाते हैं उसके जस्ट बाद वहाँ पर जंग पहुँच गया था और उस ओर देखते हुए कहता है वहाँ पर वह कौन है। चैन बताता है वह चौथा बेटा है लेकिन लगता है कि वह अभी ट्रेनिंग कर रहा है। जंग जो कि सुन कहता है तो यह इंचोन है। साथ ही वह सोचते हुए कहता है मुझे उस प्लानिंग वाले पेपर से पता चला था इंचोन ग्रेट पावर को पोजेस करता है पर वह कभी भी ढीला नहीं पड़ता। साथ ही वह सबसे फेवरेट बच्चा भी है क्योंकि वह बिल्कुल ही अपने फादर की तरह है। इतना सोचने के बाद वह चैन से पूछता है क्या मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बिल्कुल ऐसे ही होती है। तो चैन बताता है वह हॉर्स स्टैंड्स के साथ अभी अपनी निचली बॉडी की ट्रेनिंग कर रहा है। वैसे भी सभी मार्शल आर्ट टेक्निकों की शुरुआत निचले हिस्से से ही होती है। जंग जो कि सुन कहता है ओह तो ऐसी बात है ठीक है तो सर चैन मुझे बताइए अगर मैं मार्शल आर्ट को सीख लेता हूँ तो क्या मैं सर जैम को मार पाऊंगा। चैन जो कि सुन बुरी तरह से हैरान होता है और कुछ भी नहीं बोल पाता जो देख जंग कहता है क्या तुमने सुना नहीं मैंने पूछा अगर मैं मार्शल आर्ट को सीख लेता हूँ तो क्या मैं सर जैम को मार पाऊंगा। चैन जिस पर की कहता है यह किस तरह का विडंबना है कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम उसे निपटाने की प्लानिंग बना रहे थे। यह लड़का तो सच में हमने जितना सोचा था उससे अधिक चालाक है। लेकिन यह सब सोचने के बाद वह जंग को बताता है मार्शल आर्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रातों रात सीख सकते हैं। हालांकि फिर भी अगर आप सीख भी लेते हैं तब भी सर जैम की तरह एक पीक मार्शल आर्टिस्ट को आप इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। उनके पास 30 सालों की इनर पावर है साथ ही उनका टेक्निक भी आउटस्टैंडिंग है। जंग जिस पर कहता है तुम्हारा मतलब है कि यह काम जल्द से जल्द नहीं हो सकता। तो चैन कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा पर वह अपने मन में सोच रहा होता है बेवकूफ बच्चे यह तुम्हारे लिए कभी भी आसान नहीं होगा। अगर किसी को अपने इनर पावर को अवेकन करना होता है तो वह सही समय पर होता है जो कि 5 से 9 साल है पर अगर तुम देरी से करते हो तो इविल एनर्जी का निर्माण होता है और अधिक ऊर्जा संचय करना मुश्किल हो जाता है। संक्षेप में कहूँ तो तुम कभी भी अपने इनर एनर्जी को अवेक नहीं कर पाओगे लेकिन तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा क्योंकि कभी भी एक छोटी तालाब में बड़ी मछली नहीं हो सकती। जंग उसकी ऐसी मुस्कुराहट को देख तुरंत ही उसके सामने आकर उसकी आंखों को गौर से देखते हुए बताता है मुझे पसंद है कि कभी कभी तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हो जाती है मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इन्हें निकाल कर फेंक दूं। खैर तुम चिंता मत करो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ बस मेरे साथ रहना। चैन जिस पर की चैन की सांस लेता है और फिर अपनी आंखों को देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि सर जैम को मारना संभव नहीं है लेकिन फिर भी वह मुझ पर भरोसा नहीं करता इसीलिए उसे अब मनाना मुश्किल है। ये सब सोचने के बाद वह कहता है खैर मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जंग पूछता है लेकिन क्यों। तो चैन बताता है क्योंकि यंग लॉर्ड इंचोन असली यंग लॉर्ड जंग से नफरत करते हैं। 2 साल पहले लॉर्ड जंग ने लॉर्ड इंचोन की माँ को प्रोस्टिट्यूट कह दिया था इसके लिए मास्टर इंचोन ने उन्हें लगभग पीट पीट कर मार ही डाला था। जंग जो
की सुन कहता है, इंटरेस्टिंग, सबसे छोटे का दिल तो सच में सोने का है। उसने बिना किसी हाथ और पैर को काटे उसे जिंदा छोड़ दिया। चैन जो की सुन कहता है, प्लीज आप यहाँ से चलिए, अगर हम यहाँ पर और अधिक देर तक रहते हैं तो हालात खराब हो जाएंगे। इसी के साथ वह उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जबकि हम छोटे बेटे उन चौन को देखते हैं, वह बड़ी ही मुश्किल से अपने गुस्से को दबाए रखा था। जॉन को वहाँ पर देख, अगले सीन में हम हेड के कमरे को देखते हैं, जहाँ पर की डिवाइनरी ने सारी तैयारी कर ली होती है और अपने अंतर मंतर को करते हुए सोच रहा था। भले ही पहली नजर में यह देखने से पॉइजन लगे, लेकिन यह अस्पष्ट रूप से एक बुरी आत्मा है। ज्यादातर केस में ऐसी आत्माएं अपने विक्टिम को अब तक तो खा लिया होता। मुझे आश्चर्य है कि उसने इतने लंबे समय तक इसे बाहर ही रोके रखा। मुझे नहीं लगता है कि कोई मार्शल आर्टिस्ट ऐसा भी कर सकता है। खैर, बहुत समय बीत चुका है, उसके बचने का संभावना बस 50% है। लेकिन अगर मैं वैसा ही करता हूँ जैसा कि मुझसे कहा गया है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता यह मरता है या फिर जीता है। इसी के साथ वह अपना जादू करना शुरू करता है। मैं इस डिवाइन रिलीज स्क्रॉल के साथ स्वर्ग की शक्तियों का आवाहन करता हूँ। हे संसार की पांच कोनों की दुष्ट आत्माएं, अवेलियन में शामिल हो देवदूत की एक सांस के साथ। भीतर डिमनों की सेना, महान दिव्य शक्ति और अधिकार से संपन्न आत्माओं की जीवन को छीन लो। इतना बोलते हुए वह जैसे ही उस पेपर को हेड के सीने पर लगाता है, तो एक अजीबोगरीब एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो गया था। वही वह डिवाइनरी अपना मंत्र पढ़ता है, मैं बियोंग सो चंग होंग दांग होंग। अरे यार, वो इसी तरह मंत्र को पढ़ ही रहा होता है, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देता है, जिसके चलते वो कहता है, आखिरकार अब कौन आ गया? क्या यह लेडी सियोक है? अगर इसमें बाधा पड़ी तो। ये सब सोचता हुआ उसका ध्यान जैसे ही जरा सा भटकता है तो उसे काफी बड़ा ग्लास मिलता है और वह सीधे दरवाजे को तोड़ता हुआ बाहर जाकर गिरता है, जहाँ पर चैन उसे देखते हुए कहता है, भैंस की टांग, ये सब हो क्या रहा है? लेकिन जंग उस पर जरा सा भी ध्यान न देकर आगे जाते हुए कहता है, मैं लॉर्ड से मिलकर आ रहा हूँ। इसी के साथ वह हेड के जाकर कहता है, ग्रीटिंग माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट पे करने के लिए आया हूँ। तो डिवाइनरी उन सभी से कहता है, जल्दी यहाँ से निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उनके बेटे हो या फिर बेटी, तुम्हें तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या लेडी सियोक ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया है? पर चैन उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ पर करने की क्या कोशिश कर रहे हो? पहले मुझे यह बताओ। डिवाइनरी बताता है, जब मैं अलौकिक शक्तियों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक दुष्ट आत्मा ने मुझ पर अटैक कर दिया और अब वो और भी ज्यादा अधिक पावरफुल बनती हुई जा रही है। इसलिए प्लीज तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। अगर चीजें गलत हो जाती है तो बहुत बड़ी खामियाजा हमें भरनी पड़ेगी। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कुछ तो अचानक गलत होना शुरू हो चुका था। जॉन के देखते ही देखते हेड की आंखें वह बकरी की आंखों में बदलना शुरू हो चुकी थी, साथ ही उसका शरीर बुरी तरह से तोरा मरोरा जाने लगा था, जिसको देखते हुए डिवाइनरी तुरंत ही उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों जल्दी से मेरी मदद और उसे पकड़ लो ताकि वो रस्सी को ना तोड़ पाए। अगर वह एक बार ऐसा करने में कामयाब हो गया तो चीजें बद से बदतर हो जाएगी। जो सुनते ही जंग और चैन दोनों ही एक साथ हेड को दोनों तरफ से पकड़ लिया होता है। वहीं डिवाइनरी अपने मंत्र बुक जा सा ओह जी वाह इसी तरह के मंत्र को पढ़ता हुआ तलिस्मान को हेड के सर पर लगा देता है। इस कारण से हेड पूरी तरह से भड़क चुका था और बेकाबू होकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा होता है। लेकिन फिर भी किसी तरह से वे लोग उसे बेड पर दोबारा सुलाने में कामयाब होते हैं। वही डिवाइनरी बताता है, उसके अंदर की पावर बहुत ही ज्यादा अधिक पावरफुल हो चुकी है, इसीलिए इससे अब दूर ही रहना, अगर यह तुम तक पहुंच जाता है तो तुम भी इनसे इन्फेक्टेड हो जाओगे। चैन जो कि सुन घबराते हुए कहता है, क्या यह संक्रमक है? हम देखते हैं हेड ने चैन के हाथों को पकड़ रखा था और चैन घबराते हुए रोते हुए कहता है, प्लीज मुझसे दूर रहो डिवाइनरी, तुम कर क्या रहे हो? इसे मुझसे दूर करो। तो जॉन्ग तुरंत ही उसके पास आकर हेड के हाथों को दो हिस्सों में अलग करते हुए चैन को बचाता है, जिसको देख लोग कहते हैं, आखिर तुमने ये क्या कर दिया, हेड के हाथ को काट दिया। पर चैन तो ब्लड को देख वह स्माइल कर रहा था और दोबारा हेड की ओर अपने स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है, जो देखता हुआ चैन कहता है, अब तुम रुक भी जाओ, आगे कुछ भी करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जॉन्ग तुरंत ही हेड के पास पहुंचकर उसके पूरे हाथ को ही शरीर से अलग कर देता है। चैन जिस पर कहता है, आखिरकार वह हेड के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वहीं डिवाइनरी तुरंत ही कटे हुए हाथ के पास जाकर उस पर तिलस्मान लगाते हुए इन्फेक्शन को
फैलने से रोकता है। दूसरी तरफ चैन हेड के पास जाकर उसके बहरे ब्लड को रोकता है। इन सारी चीजों को देखता हुआ डिवाइनरी अपने मन में कहता है, यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। मैं अपने मिशन में फेल रहा और लॉक मॉक के एक हाथ भी कट चुका है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से किसी तरह निकलना होगा, नहीं तो इन सारी चीजों के लिए मुझे दोषी माना जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे कम से कम उन्हें जिंदा रखना होगा। तभी उसके गले पर जंग अपने स्वर को रखते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है और उसकी इतनी भयानक स्थिति का कारण क्या है? तो डिवाइनरी बताता है, क्या तुम देख नहीं सकते हो, लॉर्ड को अलौकिक शक्तियों के द्वारा निगला जा रहा है और अब वो अपने मौत के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसीलिए फिलहाल के लिए अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो इन सारी नाटकों को बंद करो अगर तुम उसे भी मरते हुए देखना नहीं चाहते हो तो। ये सब बोलता हुआ अचानक ही उसे एहसास होता है कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है, पर चूंकि अब काफी देर हो चुकी थी तो जोंग कहता है, अरे बाप रे, बताओ मुझे कौन उसे मरते हुए देखना चाहता है? क्या लेडी श्योक ने तुम्हें कमीशन दिया है? तो डिवाइनरी बताता है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। जोंग जो कि सुन कहता है, मुझ में पेशेंस की कमी है, तो जल्दी बको नहीं तो तुम अपने सर को इसी स्वर के साथ अलग करवाने के लिए तैयार हो जाओ। डिवाइनरी जिस पर की घबराते हुए कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें सारी चीजें बताता हूँ। लेडी श्योक ने मुझसे कहा था लॉर्ड को बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल अलौकिक शक्तियों का यूज करके सीक्रेट पुस्तक और सील को ढूंढना है। इन सारी चीजों को जान जोंग वो तो कुछ भी नहीं समझ पाया होता है, लेकिन चैन को सारी चीजें समझ आ चुकी थी। वो अपने मन में कहता है, इस तरह तो वह लगभग अपने पहले बेटे को क्लैन हेड बना ही चुकी है। इतना सोचने के बाद वह घबराते हुए जोंग से कहता है, यंग मास्टर प्लीज, हमें लॉर्ड को बचाना ही होगा। साथ ही वह सोच रहा होता है, हमें किसी भी तरह से लॉर्ड योंग हॉक को हाउसहोल्ड का मास्टर बनने से रोकना होगा। आगे वह जोंग को बताता है, अगर अभी हम उन्हें बचाने में नाकामयाब हो जाते हैं तो अगली बार लेडी श्योक आपके पीछे पड़ जाएगी। जिसके बारे में जोंग सोच ही रहा होता है तभी डिवाइनरी उन्हें बताता है, मैं उन्हें बचा सकता हूँ तो मुझे अपना काम करने दो। जिस पर की जोंग उससे कहता है, नहीं, तुम वही करोगे जो तुम्हें आदेश दिया जाएगा और मैं चाहता हूँ कि तुम सीक्रेट बुक और सील को ढूंढो। जिस पर की ये दोनों ही और भी ज्यादा हैरान हो चुके थे, पर बाद में डिवाइनरी उन दोनों को बताता है, लेकिन दूसरी बार भी अगर मेरे काम में खलन पड़ती है तो वे सच में मर जाएंगे। जोंग जिस पर की कहता है, ओह तो ऐसी बात है, ठीक है तो जल्दी करो। चैन उन दोनों की इस तरह की बातों को सुन अपने मन में कहता है, आखिरकार वो सोच क्या रहा है? भले ही लॉर्ड मॉक वो बच जाए पर फिर भी वो खतरे में होगा, तो फिर आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? वहीं डिवाइनरी अपना काम करना शुरू कर दिया होता है और एक गुड़िया को बनाते हुए उन दोनों को बताता है, अगर अलौकिक शक्ति लॉर्ड मॉक के करीब दोबारा आता है तो वे सच में मर जाएंगे। इसीलिए मैंने इस गुड़िया को बनाया है ताकि वह अलौकिक शक्तियों को हम धोखा में डाल सके और उन्हें विश्वास करने पर मजबूर कर दे कि यही लॉर्ड मॉक है। आगे वह अपने सारी रस्सियों को उस गुड़िया के साथ बांधते हुए मंत्र को दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया होता है, जिसके चलते हम देख पाते हैं उस कटे हुए हाथ से एक इविल हाथ निकलता है और उस गुड़िया को जैसे ही पकड़ता है तो लॉर्ड मॉक वह चिल्लाना शुरू कर देता है। ये दोनों जो कि देख कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते हैं। वहीं डिवाइनरी अभी भी अपने मंत्रों को पढ़ते हुए सोच रहा होता है, लगता है कि मैंने इस बार हद से भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट को बुला लिया है, अगर मैं इसे और भी ज्यादा फोर्सफुली काबू में करने की कोशिश करता हूँ तो वह आजाद हो जाएगा, पर अगर मैं इसके बारे में उस बच्चे को बताता हूँ तो वह मुझ पर यकीन नहीं करेगा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सब सोचता हुआ वह अचानक ही इविल हंसी को हंसने लगता है। बाद में जोंग से कहता है, लॉर्ड, मैं अब उस शक्ति को काबू करने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या उस गार्ड को भी इन सारी चीजों को सुनना चाहिए? जिस पर की चैन खुद ही बाहर आते हुए कहता है, मेरे लिए उन सारी चीजों के बारे में सुनना कोई भी मतलब नहीं बनाएगा, तो अच्छा रहेगा कि मैं यहीं पर बाहर खड़ा रहूं। दूसरी तरफ डिवाइनरी चैन के बाहर चले जाने के बाद कहता है, चलो अब इसे शुरू करते हैं। इसी के साथ वह अपने मंत्र को फिर से पढ़ना शुरू कर दिया होता है और फिर इसी के साथ हम देख पाते हैं वह जैसे ही अपने मंत्र को पढ़ना खत्म करता है तो हेड के अंदर कोई आते हुए डरावनी आवाज में कहता है, किसने मुझे समन किया? डिवाइनरी जो कि सुन कहता है, चलो यह काम किया, स्पिरिट ऑफ डेड, मेरे सवालों का जवाब दो, बताओ सीक्रेट किताब और सील कहाँ पर है? स्पिरिट बताता है, बेसमेंट मेडिकल वार्ड फोर्थ स्टोन डोर के अंदर। जो सुनते ही इन दोनों के कान खड़े हो चुके थे, लेकिन तभी डिवाइनरी की शक्ति वह खत्म होना शुरू हो चुकी थी। इस कारण से डिवाइनरी घबराते हुए कहता है, माय लॉर्ड, रस्सी को काट दीजिए, नहीं तो यह मास्टर के शरीर को पूरी तरह से निकल जाएगा। जोंग जो कि सुन तुरंत ही उन रस्सियों को काट देता है, पर यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह सारे स्पिरिट हैंड अब हेड को छोड़ जोंग को ही पकड़ना शुरू कर दिया होता है और डिवाइनरी वह भयानक हंसी हंस रहा था, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वह सभी इसी का प्लान था। कुछ समय बाद जोंग बिना आत्मा का बन चुका था, अब उसमें कुछ भी सुध बुध नहीं था। वहीं डिवाइनरी अपने काम को निपटाते
हुए कहता है, वह स्पिरिट शुरुआत में काफी ही ज्यादा स्ट्रांग था। वह कुछ समय पहले पूरी तरह से आजाद होने ही वाला था, पर शुक्र है मैंने उसे इस बच्चे के अंदर सील कर दिया। सच में मैं तो काफी ही बड़ा जीनियस हूँ। अब जो कुछ भी गलती यहाँ पर हुई है मैं उन सभी का दोष इस पर डाल दूंगा। दूसरी तरफ हम जॉन के अंदर देखते हैं उस स्पिरिट को जो कि चिल्लाते हुए कह रहा था, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक गुड़िया के साथ धोखा देने की? मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। खैर यह बच्चा भी अभी के लिए ठीक है। तुम जवान हो तो मैं उस बुरे आदमी के बजाय अब तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन तुम अपने सपनों की दुनिया में अनंत काल के लिए सो जाओ। उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं जॉन्ग अब अपने पास्ट में पहुंच चुका था, सेम उसी दिन जिस दिन की उसका दादाजी मरा था, जहां वह कहता है यह कितना शांति से भरा दिन है, लेकिन तब भी मुझे कुछ गलत क्यों महसूस हो रहा है, मानो कुछ मैं भूल गया हूँ। ये सब सोचता हुआ वह वापस अपने घर जा ही रहा होता है, तभी उसका घर जलता हुआ दिखता है, जिसके चलते वो कहता है अरे नहीं प्लीज प्लीज। आगे जब तक वो वहाँ पर पहुँच पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। ग्रैंडपा वो मर चुके थे और वो कुछ भी नहीं कर पाया था, बस गुस्सा करने के अलावा वो केवल अपने पुराने खुशी के कुछ दिनों को याद करता हुआ रो सकता था। जबकि दूसरी तरफ हम उस डेड स्पिरिट को देखते हैं जो कि उसके सपने में आते हुए कहता है तो यही चीज है जो कि तुम चाहते हो। इतना बोलने के बाद वह उसके सपने को बदलना शुरू कर दिया होता है और कुछ ही समय बाद जॉन्ग को अचानक ही एक आवाज सुनाई देता है। ग्रैंडपा कहते हैं जॉन्ग तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो? यहाँ पर आकर इस बुरे आदमी का थोड़ा सा हाथ ही बटा दो या फिर दिन में सपने देखने के अलावा कुछ काम कर लो। ग्रैंडपा को इस तरह जिंदा देख जॉन्ग कहता है आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? इतने में उसकी आंखें फिर से ब्लैक होना शुरू हो गया था और वह तुरंत ही जाकर ग्रैंडपा को एक हग करता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं वही बच्चे तुम कर क्या रहे हो? कहीं तुम मुझे घूंट कर मारने की प्लानिंग तो नहीं बना रहे हो? जिस पर कि जॉन्ग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था मैं बस आपको दोबारा खोना नहीं चाहता, आप ही एकमात्र ऐसी चीज हो जिसके लिए मैं अभी भी जिंदा हूँ जबकि मुझे कब का मर जाना चाहिए था। दूसरी तरफ उन दोनों के इतने प्यारे मोमेंट को देख वह डेड स्पिरिट हंसते हुए कहता है यह कितना प्यारा नजारा है, ऐसा अतीत जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता था लेकिन तुमने उसे खो दिया था तो अब वह तुम्हें वापस मिल चुका है, इसलिए अब तुम अपने अनंत काल के नींद में सो जाओ इटर्नल खुशी के साथ और अपने ग्रैंडपा के साथ इसी तरह खुशी से रहो, साथ ही कोशिश करना जो तुम्हारे लिए कीमती है उसे फिर से मत खोना। ये सब बोलता हुआ वह जैसे ही जॉन्ग के करीब जाता है जॉन्ग बड़े ही भयानक लुक के साथ उसकी ओर देखता है जिसके चलते वह स्पिरिट भयानक तरीके से थर्रा चुका था क्योंकि जॉन्ग उसके जबड़े को बड़े ही कसकर पकड़ने के बाद उसे कहता है मुझे अपने प्यारे पुरानी यादों को दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। वह स्पिरिट सोच रहा होता है यह कैसे हो सकता है, उसके लिए तो मुझे देखना बिल्कुल ही नामुमकिन होना चाहिए था, फिर यह कैसे हो रहा है यह तो असंभव है। जबकि इधर जॉन्ग उसे बता रहा होता है तुमने मेरे ग्रैंडपा के यादों के साथ खिलौने की तरह खेलकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि तुम मुझे वो सारी चीजें दिखा सकते हो जो कि मैं चाहता हूँ तो इसे ठीक करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा ग्रैंडपा अपने जीवन में वापस आए, मैं बस उस आदमी को चाहता हूँ जिसने कि मेरे ग्रैंडपा को मार डाला और उसे 100,000 टुकड़ों में फाड़ दो। वह स्पिरिट उसके इतने भयानक रूप को देख कहता है मैं देख सकता हूँ उसके दिल के गहराइयों में मारने की इच्छा, ऐसे प्योर इविल से तो गरज भी दूर भागेगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर वह अभी तक इंसानी रूप में कैसे है, ऐसा लग रहा है कुछ तो है जो उसके इस तरह के जानलेवा इच्छा को बांधे रखा है, पर वो चीज है क्या? हम देखते हैं उसी समय ग्रैंडपा कहते हैं जॉन्ग क्या तुम जानना चाहते हो मैंने तुम्हारा नाम क्यों जॉन्ग रखा है? क्योंकि तुम दूसरे बच्चों से बिल्कुल ही अलग थे लेकिन मैं चाहता था कि तुम बड़े होकर एक अच्छा इंसान और एक अच्छी जिंदगी जियो, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम जॉन्ग रखा था जिसका मतलब है अच्छा। मैं आशा करता हूँ कि तुम इसी तरह जियोगे और एक अच्छे इंसान के रूप में बड़े होंगे। ये सब बोलता हुआ ग्रैंडपा वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन इधर हम डेड स्पिरिट को देखते हैं जिसकी हालत अब बुरी हो चुकी थी। वह डरते हुए कहता है मुझे किसी भी कीमत पर यहाँ से भागना होगा, इस बच्चे के साथ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, मुझे गहराई में जितना अंदर हो सके उतनी गहराई में इसके आत्मा के अंदर जाना होगा। थोड़ी देर बाद वह कहता है शुक्र है मैं उसके शरीर पर काबू करने में कामयाब रहा, अब मुझे शांत होकर उसके कॉन्शियसनेस पर काबू करने के लिए और अंदर जाना होगा। ये सब सोचता हुआ वह जैसे ही और भी अंदर जाता है तो वह एक अलग ही जगह पर पहुंच गया था। हर जगह एक बड़ा सा मैदान था जिसको देखते हुए वह कहता है यह मैदान क्या यह उसके दिल की गहराई है? पर रुको यह सील दरवाजा आखिरकार किस तरह की है? यह तो उस लड़के की सील की गई यादें हैं। अब मैं क्या करूं? कोई रास्ता नहीं है कि इसके अंदर जाकर मैं उसकी स्पिरिट को डिवोर करूं, लेकिन फिर भी
अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा। ऐसा बोलने के बाद वह जैसे ही इसे करने की कोशिश करता है तो कुछ अलग होता है, जिसके चलते वह घबराते हुए कहता है, नहीं यह तो उल्टा मुझे ही डिवोर कर रहा है। नहीं रुक जाओ, इस डर से तो मैं तुरंत ही निकल लिया जाऊंगा उस छोटे कीड़े के द्वारा। पर उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। कुछ ही समय बाद वो पूरी तरह से डिवोर कर लिया जाता है और जॉन की आंखें प्रेजेंट में अचानक से ही खुलती है। साथ ही उसके अंदर से काफी ही एनर्जी बाहर निकल रही थी, जो देख डिवाइनरी कहता है, वह इसकी टांग ये कैसे हो सकता है। वहीं हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने सर से तलिस्मान हटाकर जैसे ही खड़ा होता है तो उसके अंदर से डरावनी ब्लैक एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो चुका था। और जब वह डिवाइनरी की ओर देखते हुए कहता है डीमन सेज, तो हम देख पाते हैं वह डेड स्पिरिट अब जॉन का गुलाम बन चुका था। दूसरी तरफ कहीं पर हम योनमोक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बैठा हुआ था। साथ ही वह सोच रहा होता है लॉर्ड इंडियन मॉक, जब वह यंग थे तो एक हीरो की तरह थे, मैं उन्हें एडमायर करता था और यकीन था कि वो कभी भी गलत नहीं कर सकते। मेरी उनसे पहली मुलाकात लगभग 19 साल पहले ह्योम में समुद्री लुटेरे से लड़ते हुए हुई थी। उस समय मैं मास्टर ऑफ ब्लेड सोह्योंग के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड मॉक और मैंने समुद्री लुटेरे को उस समय साथ मिलकर खदेड़ दिया था। इसके बाद मैंने उनके ग्रैंड कीपर के रूप में शपथ खाई उनके साथ रहने की। लेकिन अब ये हालात किस तरह बदल चुके हैं। ये सब सोचता हुआ वह लेडी शॉक के साथ की गई बातों को याद करता है, जहाँ पर कि लेडी शॉक ने कहा था, सर मॉक क्या आप भी सोचते हैं कि एक किसान के बेटे को योनमोक फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए? क्या यह फैमिली के फ्यूचर के लिए सही रहेगा? मैं चाहती हूँ कि बस आप डिवाइनरी को तब तक यहाँ पर रहने दे जब तक कि वे सीक्रेट बुक और सील का पता नहीं लगा लेता। ये सारी चीजों को अभी प्रेजेंट में मॉक सोचते हुए कहता है। मैं भले ही उसे इग्नोर करने के लिए तैयार हो गया था, पर अब मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या हो वह डिवाइनरी नकली हो और किसी तरह के इविल पोषण का इस्तेमाल करे लॉर्ड को बात करने के लिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। यह मेरे लॉर्ड के प्रति निष्ठा का अपमान होगा। मैं बस वहाँ पर झांक कर देखने के बाद वापस आ जाऊंगा। जबकि इधर डिवाइनरी की अब हालत खराब हो चुकी थी। वह डीमन सेज को देखते हुए कहता है, यह कोई एवरेज ग्रज नहीं है, वह हाई रैंक का इविल स्पिरिट है। आगे वो कुछ सोच पाता तभी जॉन्ग ऑर्डर दे देता है, डीमन सेज डिवाइनरी को मार डालो। डिवाइनरी जो कि देख तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डीमन सेज को रोकते हुए अपने मन में कहता है, यह कैसे हो सकता है, उसने तो इसे गुलाम की तरह अपने अंडर ले लिया है। लेकिन आखिरकार यह गराज वह इंसान के ऑर्डर को क्यों सुन रहा है? इतना सोचते हुए उसकी पावर खत्म हो जाती है और वह दूर जाकर गिरता है। वहीं डीमन सेज उसे देखते हुए अपने भयानक लुक में आ चुका था, तो डिवाइनरी बगल में पड़े हुए एक स्वॉर्ड को बच्चे की तरह उठाते हुए उससे डीमन सेज को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था, डीमन सेज कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ता है और अपने पावर का यूज करके उसे डिवोर करना शुरू कर दिया होता है। जबकि डिवाइनरी जॉन्ग से अपनी जिंदगी की भीख मांगता ही रह जाता है, पर जॉन्ग उसके बगल में जाकर बैठते हुए कहता है, डीमन सेज तुम कर क्या रहे हो, जल्दी करो यार, यहाँ पर काफी सारे शोर मच रहा है। डिवाइनरी जो कि सुन रोते हुए गुस्से में गालियां देते हुए जॉन्ग को कोसता हुआ खत्म हो जाता है। डीमन सेज ने उसकी पूरी स्पिरिट को डिवोर कर लिया था। बाद में जॉन्ग बाहर जाकर चैन को अंदर बुलाता है, तो चैन अंदर आते हुए कहता है, क्या सारी चीजें खत्म हो गई? इतना बोलते हुए वह जैसे ही अपने सामने देखता है तो नजारा भयानक था। पर जॉन्ग उसे बताता है, अपने सवाल को बचा कर रखो, फिलहाल के लिए मेरे इसे ठिकाने लगाने में मदद करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सभी को बताना कि डिवाइनरी पागल हो चुका था और अपने स्वॉर्ड को बखलाते हुए इधर उधर घुमाने लगा, जिसके चलते लॉर्ड ने अपने एक हाथ को खो दिया। लेकिन शुक्र था कि हम लोग यहाँ पर समय पर पहुँच गए। चैन जिस पर कहता है, क्या सच में आप सच को इस तरह छुपाओगे? जॉन्ग पूछता है, क्या कोई समस्या है? चैन जिस पर कि अपने मन में कहता है, भले ही यह सुनने में ठीक लगे, पर क्या वे इस पर विश्वास करेंगे? लेडी सियोक वह बिल्कुल भी मामूली औरत नहीं है, वह जरा सा भी इतनी आसानी से इस पर राजी नहीं होगी। इतना सोचने के बाद वह जॉन्ग से कहता है, माय लॉर्ड मुझे लगता है कि आपका यह झूठ उतना कन्विंसिंग नहीं है, यह केवल और भी ज्यादा संदेह को पैदा कर देगा। तो जॉन्ग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चैन जिस पर बताता है, सबसे पहले हमें लेडी सियोक को कन्विंस करने के तरीके को ढूंढना होगा। जॉन्ग जो कि सुन थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहता है, चलो ठीक है। इसी के साथ वह खुद से ही खुद के पैर को काटते हुए कहता है, यह कैसा रहेगा, डिवाइनरी ने मास्टर के हाथों को काटने के बाद उसके बेटे को मारने की कोशिश की, उसकी ऐसी पागलपंती को देख चैन कहता है, माय लॉर्ड आप ये कर क्या रहे हो? चैन बताता है, क्या मैंने कुछ अधिक कर दिया? शायद इतना काफी होना चाहिए उन्हें कन्विंस करने के लिए। चैन जो कि सुन सोचता है, वह इंसानों से एक
अलग ही नस्ल का लगता है। मैं समझ सकता हूँ कि वह सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी आखिर कोई कैसे खुद के पैर में इस तरह छुरा घोंप सकता है। वह मुझे अब और भी ज्यादा डराने लगा है। आगे वह कहता है, चलिए मैं आपका खून बहना रोक देता हूँ। तो जोंग कहता है, नहीं रहने दो, अगर मैं ब्लड बहने से पीला पड़ जाता हूँ तो यह और भी ज्यादा विश्वसनीय होगा। चैन जिस पर की और भी ज्यादा घबराते हुए कहता है, वह डरावना नहीं बल्कि टेरिफाइंग है। मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी उसका दुश्मन नहीं बनना चाहूंगा। इतने में ही वहाँ पर मौका आ चुका था और कमरे के ऐसे नजारे को देख सारे लोग थर्रा चुके थे। लेकिन जब उन्हें होश आता है तो वो काफी ही ज्यादा गुस्से में कहता है, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया। जिस पर चैन और जोंग दोनों ही एक साथ कहते हैं, लॉर्ड मॉक प्लीज हमें एक्सप्लेन करने दीजिए। आगे जोंग बताता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या आप प्लीज। इतना बोलते हुए वह अचानक ही जमीन पर गिर गया होता है, जिसको देखने के बाद मॉक वह काफी ही गुस्से में चैन से कहता है, यहाँ पर हुआ क्या है और लॉर्ड जोंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जल्दी मुझे बताओ। चैन जो कि सुन जोंग की ओर देखता है तो वह इविल स्माइल कर रहा था, जिसको देख चैन कहता है, उसकी यह इविल स्माइल, अब मुझे मत बताओ कि वह एक्टिंग में भी इतना अच्छा है। अगले सीन में हम योनमॉक हाउसहोल्ड के मेडिकल वार्ड को देखते हैं, जहाँ जोंग बड़े आराम से बेड पर लेटा हुआ सोच रहा था, इन हर्बों की गंध सच में लाजवाब है। रही बात सीक्रेट किताब और सिल की, तो लॉर्ड मॉक ने सीधे मुझे उस जगह पर भेज दिया है, मैं काफी लकी हूँ, पर फिलहाल के लिए वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग हैं, इसीलिए मैं उसे ढूंढने के लिए रात में जाऊंगा। तभी वहाँ पर चैन पहुँच कर कहता है, मैं आ गया मैं लॉर्ड। जो कि सुन जोंग कहता है, तुम काफी लेट हो। तो चैन उसे कोई चीज देते हुए कहता है, ये रही डिवाइन बुक जिसके बारे में आपने पूछा था। जोंग जो कि सुन कहता है, क्या केवल दो ही बुक। चैन बताता है, मैंने इसे बड़ी ही मुश्किल से जुगाड़ लगाया है, क्योंकि डिवाइनरी ने जो कुछ भी अपने साथ लाया था वे लोग उन सभी को जला रहे थे। ऐसा लगता है कि वे सभी सबूतों को मिटाना चाहते हैं। जिस पर चैन कहता है, ओह तो ऐसी बात है। पर वह अपने मन में सोचते हुए कहता है, यह कितनी दुख की बात है। डिक्शनरी ऑफ स्कूल ऑफ नेचुरलिस्टिक और इंट्रोडक्शन सुपरनेचुरल फोर्स में से हमारे पास केवल यही दो बचा है। आगे वह कहता है, आपका शुक्रिया सर चैन। तो चैन कहता है, आखिरकार आप इसे पढ़ना क्यों चाहते हो। जिस पर जोंग उससे पूछता है, आखिरकार तुम्हें खिड़की के बाहर क्या दिखता है। चैन जो कि सुन जब बाहर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, आसमान साफ था, लेकिन उसकी नजरों से दूर उसके ठीक सामने डीमन सेज खड़ा था, पर उसे इस चीज का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। इसीलिए जोंग कहता है, मैं बस इसे पढ़ना चाहता हूँ। तो चैन कहता है, ठीक है आपको जो करना है करो, मुझे ये सारी चीजें समझ नहीं आती। उतने में ही उन लोगों को बाहर से आवाज सुनाई देती है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, मास्टर जोंग अभी भी रिकवर कर रहे हैं। तो उसके सामने वाला पर्सन कहता है, जल्दी यहाँ से हटो। इसी के साथ हम देखते हैं लेडी सियोक अंदर आती है और काफी ही ज्यादा गुस्से में जोंग से कहती है, मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। उसे वहाँ पर इस तरह देख जोंग वो कुछ भी नहीं बोलता, पर लेडी सियोक कहती है, क्या तुमने सुना, मुझे तुमसे बात करनी है। जोंग जिस पर कि अपने मन में कहता है, क्या यही लेडी सियोक है लॉर्ड मॉक की पहली पत्नी। सर जैम ने बताया था यह यहाँ की सबसे खतरनाक पर्सन है, उसकी मार्शल आर्ट फर्स्ट रेट की है, अपने बैकग्राउंड मार्शल आर्ट फैमिली की तरह ही, लेकिन इन सबसे बढ़कर वह बहुत ही ज्यादा चतुर महिला है। उसने कहा था यह अपने सबसे बड़े बेटे यूनहाव से भी ज्यादा खतरनाक है। इतना सोचने के बाद वह कहता है, गुड इवनिंग माई लेडी, कृपया मुझे माफ करे कि मैं आपको ठीक से ग्रीट करने के लिए खड़ा नहीं हो पाया, मेरे पैर में चोट लगी है। वही चैन सोच रहा होता है, उसने ग्रीटिंग मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बढ़कर अच्छी तरह से किया है, अगर हम इससे अच्छी तरह से निपटते हैं तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर लेडी सियोक को हम देखते हैं वो बिना कुछ सुने जोंग पर अटैक कर दिया होता है, जिसके चलते ये लोग कुछ भी नहीं समझ पाए होते हैं। और चैन कहता है, आखिरकार आप ये कर क्या रही हो। इतना बोलते हुए वह जैसे ही आगे बढ़ने वाली होती है, तभी लेडी सियोक का एक गार्ड उसे रोक देती है। वहीं लेडी सियोक कहती है, ऐसा लगता है कि तुम सच में घायल हो, तुमने तो सच में मेरी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए काफी दूर तक चले गए, साथ ही तुमने सर जैम को भी एक बढ़िया कहानी सुना दी। हालांकि तुम एक चीज भूल गए, एक अच्छा डिवाइनरी कभी भी भूत प्रेतों को भगाते समय खुद पोजेस नहीं होता, लेकिन तुमने कहा वह पागल होकर जंगली बन चुका था, यह कितना भयानक झूठ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख समझने की। चलो मुझे बताओ आखिरकार तुमने वहाँ पर क्या सुना है। अगर तुम नर्क के दर्द को सहते हुए मरना नहीं चाहते हो, क्योंकि मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगी। उसकी बातों को सुनते हुए जोंग पहले तो शांत रहता है, पर थोड़े ही समय बाद वह डेविल स्माइल करने लगता है, जिसको देखता हुआ लेडी सियोक और बाकी के लोग भी कुछ भी नहीं समझ पाए होते हैं। लेकिन जोंग अब और भी ज्यादा जोरों जोरों से हंसने लगा था, जिस पर की लेडी सियोक कहती
कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? पर जंग केवल दो ही शब्द कहता है, डीमन सेज। और हम देख पाते हैं कमरे में उपस्थित किसी के भी सोचने से पहले ही ऐसा लग रहा था कि डीमन सेज ने लेडी शो का काम तमाम कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह बस उसके प्रेजेंस को महसूस कर कहती है, आखिरकार अभी ये था क्या? इतना बोलते हुए वह जैसे ही अपने पीछे देखती है तो उसे समझ आता है, डीमन सेज ने भले ही उसे बख्श दिया था लेकिन उसके सर्वेंट का काम तमाम कर दिया था। ऐसे डीमन फिनोमिनन को देख लेडी श्योक वो काफी ही ज्यादा घबरा चुकी होती है। पर तभी जोंग उसके पास आकर कहता है, क्या आप अभी भी उस सीक्रेट को जानना चाहती हैं? अगर हाँ तब तो यह छोटी मोटी धमकियां काम नहीं आएगी, आपको और भी ज्यादा भयानक चीज के लिए तैयार रहना होगा। जो सुन लेडी श्योक उसे गालियां देने के अलावा और कुछ भी नहीं बोल पाते। वहीं जोंग उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे हाउस का लॉर्ड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए अगर तुमने मेरे साथ ऐसा दोबारा ट्रेड करने की कोशिश की तो मुझे यंग हाउस से लगता है मिलना पड़ेगा। वैसे भी चौन के पास असाधारण मार्शल पावर है तो शायद मुझे उन सीक्रेट चीजों को उसे दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच अच्छे संबंध नहीं है। वैसे वह मोहतरमा कौन है जो कि स्वॉर्ड को पकड़े रखी है? जो सुनते ही वे लोग तुरंत ही चैन को छोड़ देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पीछे से जोंग फिर से उसे भड़काते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना। कुछ समय बाद लेडी श्योक अपने क्वार्टर में वापस आ चुकी होती है और वह काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी और अपने सामानों को इधर उधर तोड़ फोड़ रही थी तो उसका सर्वेंट कहती है, माय लेडी आप शांत हो जाइए। जिस पर लेडी श्योक होल्ड हाउस पर ही भड़कते हुए कहती है, क्या मैं शांत हो जाऊं? क्या मेरे पास शांत रहने का कोई कारण है? उस बेवकूफ बच्चे ने मेरी पूरी प्लानिंग को बर्बाद कर दिया। इतना बोलते हुए वह सोच रही होती है, धिक्कार है, उसे लेकर मैंने अपनी सावधानी कम कर दी थी क्योंकि मुझे लगा था उसके पास सबसे कम स्किल है। मैंने सोची थी कि अगर मैं उसे थोड़ा सा डरा देता हूँ तो वह डगमगा जाएगा, लेकिन वो तो बिल्कुल ही अलग है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकते, कहीं वह अपना असली नेचर छुपा तो नहीं रहा है? क्योंकि जब वह छोटा था तो उसे लेकर ऐसा कहा जाता था कि वह काफी ही ज्यादा बुद्धिमान है, पर जब उसकी मदर की मौत हुई तो उसका स्किल भी खत्म हो गया क्योंकि उसकी मदर की फैमिली वह बर्बाद हो चुकी थी। शायद इसी कारण से वह तब से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे फिर वह कितना ही दयनीय क्यों न था, मुझे उस पर से अपनी सावधानी को नहीं हटाना चाहिए था। उसे इतना परेशान देख उसकी सर्वेंट कहती है, इससे पहले कि वह कोई और अजीब चाल चले मुझे उसे मार देने की ऑर्डर दीजिए। तो लेडी श्योक कहती है, नहीं हम ऐसी जोखिम नहीं उठा सकते, सीक्रेट किताब और सील किसी और के हाथ लग जाएगा, पर मैं उसे इस तरह खुद को घसीटने भी नहीं दे सकते। तो जाओ सिनमाया को भूत छाया की मौत की खबर दो। भूत छाया के नाम को सुन उसकी सर्वेंट बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी होती है और वह कहती है, सिनमाया तो डिवाइनरी का ग्रुप है। लेडी श्योक जो सुन कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं उसे कभी भी अपने हिसाब से नहीं चलने दूंगी। अगले सीन में हम रात के 1 बजे मेडिकल वार्ड में देखते हैं, जहाँ पर की जोंग अलौकिक शक्तियों के बारे में किताब में पढ़ते हुए कहता है, उनकी रैंक कई कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले आती है लाल आत्माएं, ये भटकी हुई आत्माएं होती है जो कि जिंदा लोगों की रोंगटे खड़े कर सकती है या फिर हल्की सी ठंडी दे सकता है। दूसरी आती है ऑरेंज स्प्रिट, जो कि लोगों के शरीर पर बैठकर उसके भार को बढ़ा सकता है या फिर उन्हें भयानक दर्द में डाल सकता है। तीसरी आती है पीली आत्माएं, ये आत्माएं बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनसे आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, इन्हें भगाने के लिए डिवाइनरी का आवश्यकता होती है क्योंकि येलो स्प्रिट में इतनी शक्ति होती है कि वह लोगों की जान ले सकती है। वो ये सब पढ़ ही रहा होता है तभी उसके पास डीमन सेज आता है, जिसको देख वो कहता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? साथ ही वह सोच रहा होता है डीमन सेज वह भी येलो स्प्रिट बन सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए उसकी शक्ति अभी लेडी श्योक पर काम नहीं करती, इसीलिए उस समय उसने उसके पीछे सर्वेंट को निशाना बनाया था। पर जब मैंने इसे चैन पर आजमाया तो यह अच्छी तरह से काम करता था। शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लेडी श्योक वह फर्स्ट रेट की मास्टर है, जिसका मतलब है कि डीमन सेज की शक्ति सर जैम पर भी नहीं काम करेगा क्योंकि वह भी एक फर्स्ट रेट का मास्टर है। तो चलो अब एक स्ट्रॉन्गर स्प्रिट को ढूंढना यह कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। इसी के साथ वह किताब में पढ़ता है तो उसे पता चलता है चौथा ग्रीन स्प्रिट होता है, जो कि ऐसी ग्रज होती है जो 10 को पुरानी है। ये चीजों को हिला सकती है और जिंदा लोगों को भ्रम में डाल सकती है, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। इसके लिए तो एक्सॉर्सिज्म वह बिल्कुल ही जरूरी है अगर छुटकारा पाना है तो। इसी तरह वह स्प्रिट के बारे में पढ़ता हुआ उस जगह तक पहुँच गया होता है जिसके बारे में डीमन सेज ने बताया था और वह अंदर जाते हुए कहता है, आखिरकार सिर्फ एक किताब और मुहर के लिए इतनी गहराई खुदाई करने की क्या आवश्यकता थी? क्या सच में वह इतना इम्पोर्टेंट है जो लोग उसके लिए पागल हो रहे हैं? शायद मुझे उसे किसी और को देने के बजाय अपने पास ही रखना चाहिए, खास
खासकर अब जब मुझे पता है कि डिमन सेज की शक्ति सर जैम पर काम नहीं करता। इसी तरह वह सोचता हुआ किसी जगह पर पहुंचने के बाद कहता है, क्या यही है मेडिकल वार्ड का चौथा दरवाजा? लेकिन आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, यह रास्ता तो यहीं पर खत्म हो गया। उतने में ही उसका पैर अचानक से एक ट्रैप पर पड़ जाता है और वह बड़ी ही मुश्किल के साथ उस ट्रैप से निकले हुए बड़े से पत्थर से बचता है और किसी तरह खुद को संभालते हुए कहता है, अरे यार बाल बाल बचे। लेकिन तभी उस पर तीरों की बारिश हो जाती है, पर फिर भी वह इस बार भी बच गया था और एक डेविल स्माइल के साथ अपने सामने से आ रहे तीसरे ट्रैप की ओर देखता है, जो कि बड़े ही भयानक और बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था। वह उससे बचते हुए कहता है, यह पूरा बेसमेंट तो ट्रैप से भरा हुआ है, क्या वह किताब सच में इतना कीमती है? या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और भी है जो उससे भी इम्पोर्टेंट हो? अगर हाँ तो चलो देखते हैं आखिरकार वो खास चीज है क्या। ये सब सोचता हुआ वह सभी ट्रैपों को न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, कौन ही होगा जिसने की सोचा होगा इस तरह के सिमेट्रिकल वुडन आर्किटेक्चर इस तरह के बेसमेंट की गहराई में पाया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मानो पहले कभी यहाँ पर कोई रहता था, कहीं वह इसे ट्रेन के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहा था। खैर मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। इतना बोलने के बाद जब वह उस जगह पर जाकर देखता है तो एक बक्सा पड़ा हुआ था जिसको कि खोलने पर उसे दो बुक मिलते हैं, जिनमें कि पहला होता है योनमोक फैमिली का कलेक्टेड स्वॉर्ड टेक्निक और दूसरा होता है योनमोक का कल्टिवेटिंग इनर पावर गाइड, जिनको देखने के बाद जॉन्ग कहता है, इन दोनों के बारे में चैन ने मुझे बताया था, ये दोनों ही किताब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चलो मैं इसे रख लेता हूँ। लेकिन फिर भी केवल इन दोनों किताबों के लिए तो इतनी बड़ी जगह को नहीं बनाया गया होगा, आखिर सभी की नजरों से दूर ही यहाँ पर वे छुपाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? इसी के साथ वह एक संदूक के पास जाते हुए कहता है, यह संदूक मुझे कुछ अनइजी फील करा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसे घसीट कर लाया गया हो, जिसका मतलब है जरूर इसके नीचे कुछ छुपाने की कोशिश किया गया है। इसी के साथ वह जैसे ही उस बक्से को साइड करता है तो उसके नीचे एक सीक्रेट जगह होती है जिस पर कि कई सारे तलिस्मान लगे हुए थे। जॉन्ग जिसको खोलते हुए कहता है, अब ये क्या है? हम देख पाते हैं उसके अंदर भी एक और बक्सा था और उसे भी कई सारे तलिस्मानों से सील किया गया था, पर उससे निकल रही एनर्जी वह बहुत ही ज्यादा इविल थी। ये सब बोलता हुआ वह जैसे ही उस बक्से को खोलता है तो एक हवा का झोंका आता है और उसके लालटेन को वहीं पर बंद कर देता है, मतलब बुझा देता है, जिसको देखते हुए जॉन्ग कहता है, भैंस की टांग, अब ये हो क्या रहा है? इसके अंदर तो चमड़े से बनी एक किताब है, इसकी बासी गंध और टेक्सचर ये तो इंसानी चमड़ी है। दूसरी तरफ हम कहीं पर एक बंदे को देखते हैं जो कि जश्न के बीच खड़ा जोरों जोरों से चिल्ला रहा था, इसे और जोर से बजाओ, इतना जोर से कि ढोल फट जाए। और हाँ, यह दूसरा बेटा इन प्योंग मॉक होता है, वह कहता है, यह जश्न कितना वंडरफुल है, खासकर योनमोक की आज की रात, अब बस मैं एक कदम दूर हूँ लॉर्ड बनने से, तो आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इतना बोलते हुए उसकी नजर अचानक ही अपने पीछे जाता है जहाँ से कि उसके पास सर जैम आया था और वह उसे देखते हुए काफी खुशी में कहता है, क्या बात है, यह तो आप हैं सर जैम। सर जैम कहते हैं, आपको इतनी देर रात तक इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। जोसुन प्योंग बताता है, मैं बस आपके जैसे प्रतिभाशाली वाले व्यक्ति को स्वागत के लिए ग्रैंड पार्टी देना चाहता था, क्योंकि मैं हमेशा से आशा करता था कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी तरह वह काफी कुछ बोलता है तो सर जैम कहते हैं, आपको माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुश हूँ कि आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। जिस पर प्योंग कहता है, चलिए ठीक है अंदर आइए। कुछ समय बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सारे ढोल नगारे वाले चले जाते हैं, पर प्योंग जैम से बात करते हुए कहता है, क्या जॉन्ग ने अपने मार्शल आर्ट को खो दिया है? तो जैम अपने मन में कहता है, असल में असली जॉन्ग मर चुका है, पर मैं उसे इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि यह सच्चाई अगर सामने आई, मैं अपने लॉर्ड को बचाने में नाकामयाब रहा तो मैं सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा। इतना सोचने के बाद वह इविल स्माइल के साथ कहता है, हाँ आपने सही कहा, लॉर्ड जॉन्ग अभी के लिए किसी भी तरह से कोई भी मार्शल आर्ट का यूज नहीं कर सकता। प्योंग जो कि सुन कहता है, अरे बाप रे, वह कितना मूर्ख है, वह हमेशा से इनकॉम्पिटेंट था और अब तो उसने अपने मार्शल आर्ट को भी खो दिया। मेरे रास्ते में आने वाली बाधाओं में से एक को दूर करने का यह कितना निराशाजनक तरीका है। पर खैर फिलहाल के लिए मुझे अपने प्रतिभाशाली सपोर्टर को धन्यवाद करना चाहिए, सही कहा ना? ये सब बोलता हुआ वह सारे के सारे लोग जोरों जोरों से हंसने लगते हैं। बाद में प्योंग कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिरकार उसने अपने मार्शल आर्ट को कैसे खोया? अगर इसमें आपकी गलती भी हुई तभी मैं आपको माफ कर दूंगा, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी में गलती तो करता ही है। जिस पर चैन कहता है, माफ करिएगा, पर अभी के लिए मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता।
साथ ही वह सोच रहा होता है, अगर तुम्हें इस बारे में पता चल गया तो मुझे अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे पिछवाड़े को साफ करता हुआ बिताना पड़ेगा, तो आखिरकार मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों ही बताऊं। ये सब सोचने के बाद वह कहता है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। जिस पर प्योंग कहता है, ओह तो ऐसी बात है, लगता है कि मुझे आपकी बातों पर विश्वास करना ही होगा। वैसे भी आप पहले एक असासिन हुआ करते थे। जो कि सुन जैम वह पूरी तरह से थर्रा चुका होता है और अपने मन में उसे गालियां देने लगता है। वहीं प्योंग कहता है, अरे सर जैम क्या हुआ, आप इस तरह क्यों चुप हो? तो सर जैम अपने मन में उसे गालियां देते हुए कहता है, यह हरामखोर कहीं का, मैं सोचता था कि उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने मेरे बैकग्राउंड को चेक किया है। दूसरी तरफ प्योंग उसके पास आकर क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, अब मुझे यह मत बताइएगा कि यह भी एक सीक्रेट है। तो सर जैम बताते हैं, नहीं माय लॉर्ड। साथ ही वो अपने मन में कहता है, मैंने अपने गार्ड को डाउन कर दिया था और थोड़ा सा लापरवाह भी हो गया था। वहीं प्योंग उसकी ओर थोड़ी देर तक अजीब नजरों से देखने के बाद कहता है, आप फिलहाल के लिए यहाँ से जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूंगा। जो सुनने के बाद सर जैम वहाँ से चला जाता है, जबकि प्योंग उसे पीछे से देखते हुए कहता है, वह जरूर कुछ छुपा रहा है मेरे छोटे भाई के बारे में, ऐसा कुछ जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इलसांग जाओ और इसकी जांच करो और इसके बारे में पता लगाओ कि आखिर वह क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, या फिर सच में मेरे छोटे भाई ने अपने मार्शल आर्ट को खो दिया है। तुम एक फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुम्हारे लिए यह काम आसान होगा। तो वह बंदा कहता है, क्या आप बस चाहते हैं कि मैं इसकी जांच करूं? जो सुन प्योंग पहले तो उसकी ओर बड़ी बुरी तरह देखता है, बाद में अपने क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, नहीं तब तो इसमें कोई मजा नहीं आएगा, तुम बस उसके एक पैर को तोड़ देना। तो वह बंदा वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है आप जैसा चाहे। अगले सीन में हम जॉन्ग को दोबारा देखते हैं, जो कि अभी भी उस बुक को देखते हुए बोल रहा था, मुझे बहुत ही तेज हार्ट बीट सुनाई दे रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि यह चीज जिंदा हो, यह जरूर मौत के दरवाजे पर खड़े पर्सन का दिल की धड़कन है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार इस तरह का किताब इस जगह पर क्यों है, मुझे इन मोतियों को तोड़कर तुरंत इस किताब को पढ़ना है। इतना बोलने के बाद वह जैसे ही उसे खोलने वाला होता है, तभी उसके पास डीमन सेज आता है, जिसको देख जॉन्ग कहता है, डीमन सेज आखिर क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? जिस पर डीमन सेज बिना कुछ बोले उस बुक को देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। जॉन्ग उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देख वो भी कुछ भी नहीं समझ पाया होता है और कहता है, वह इस तरह के एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है, आखिरकार इस किताब के अंदर है क्या, मुझे जल्द से जल्द इस किताब को पढ़ना है। हालांकि इतना बोलने के बाद वह उस किताब को वापस उस बक्से में रखते हुए कहता है, डीमन सेज चैन के साथ बाहर पहरा दे रहा था, लेकिन अगर वह यहाँ पर है तो जरूर बाहर कोई आया होगा। हम देखते हैं बाहर प्योंग का भेजा हुआ उसका बंदा पहुंच चुका था, जो कि चैन को देखते हुए कहता है, यह कितनी अजीब बात है, वह अपने घायल मास्टर के साथ रहने के बजाय ही यहाँ पर पहरा दे रहा है, क्या वह सचमुच में कुछ छुपा रहा है? इसी के साथ जब वह झांक कर देखता है तो जॉन्ग सो रहा था, जिस पर वह कहता है, यह तो यहाँ पर बड़े ही आराम से सो रहा है, तो चलो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि उसके इंटरनल एनर्जी वो ठीक है या फिर नहीं। इतना बोलते हुए वह जॉन्ग के पास जा रहा होता है, तभी उसकी नजर बेसमेंट से लाए हुए दोनों किताबों पर पड़ती है, जिसको देखते हुए वह बुरी तरह से हैरान था और कहता है, नहीं यह नहीं हो सकता, क्या यह सच में रियल है? पर यह कैसे हो सकता है, यह चीज अकेला ही हमें अपर हैंड दिलाने के लिए काफी है, लगता है अब इसके साथ हमारी जीत पूरी तरह से पक्की हो गई है। पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, जॉन्ग तुरंत ही उसके पीछे आकर उसके सर को बुरी तरह से जमीन के अंदर पटक देता है, बाद में उसे उठाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे बेडरूम में सोने के लिए आए थे? जिस पर कि वह बंदा कुछ सोच पाता उससे पहले ही जॉन्ग फिर से उसे टेबल पर बार बार लगातार मारते हुए कहता है, अगर हाँ तो चलो मैं तुम्हें अच्छी नींद दिलाने की कोशिश करता हूँ। वही वह बंदा अपने मन में कह रहा होता है, नहीं यह तो दानव है। कुछ समय बाद उसके सर की हड्डी टूटने के कारण वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को लटका हुआ पाता है और जॉन्ग उससे कह रहा था, क्या तुम जाग रहे हो? तो वह बंदा कहता है, हम हैं कहाँ पर? तो जॉन्ग कहता है, अगर तुम बात कर पा रहे हो तो सब ठीक ही होगा, चलो हम बात करते हैं। उसके इतना बोलते ही सीन दोबारा चेंज होता है और हम कुछ समय पहले देखते हैं उस बंदे को यहाँ पर लटकाने से पहले क्या हुआ था, जब यह बंदा बहुत ही ज्यादा मार खाने के बाद बेहोश हो चुका था और जॉन्ग उसे देख ही रहा होता है। उसी समय वहाँ पर चैन आता है और अपने सामने के नजारे को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरानी में कहता है, यहाँ पर हो क्या रहा है, यह तो इलसांग हंग है। जॉन्ग जिस पर कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? चैन बताता है, हाँ बिल्कुल, वह लॉर्ड इन प्योंग का पर्सनल बॉडीगार्ड है। जॉन्ग जो सुन कहता
जाता है तो फिर यह यहाँ पर करने क्या आया था। चैन बताता है सिचुएशन को देखते हुए यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चूंकि उसने नकाब पहनकर यहाँ पर चुपचाप आया था तो जरूर उसका इरादा कोई अच्छा नहीं होगा। जंग जिस पर कहता है ओह तो ऐसी बात है, ठीक है तो यह अभी के लिए बस बेहोश हुआ है, चलो हम इसे बात करने के लिए मजबूर करते हैं। जो सुन चैन कहता है क्या आप उसे टॉर्चर करने वाले हो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उसे जाने दें, क्योंकि लॉर्ड अपने अंडर आने वाले सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा परवाह करते हैं, इसीलिए अगर आप उसके दाहिने हाथ को काटते हैं तो वह जरूर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा। जंग जो कि सुन उसे साइड करते हुए कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसके बारे में सोच लूंगा, इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। वहीं जंग घबराते हुए कहता है मेरे प्रभु केवल इसके बारे में सोचने से कुछ भी नहीं होगा, आप बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन जब उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है तो वह कहता है अरे यार मुझे कम से कम उस गरीब आदमी को उसके हाथों मरने से किसी भी तरह रोकना चाहिए था। लॉर्ड भले ही लापरवाह लगे लेकिन वह बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, अब उस बेचारे का क्या होगा, कहीं उसे सच में वो मार तो नहीं देगा। इसी के साथ हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर की इलसोंग वह लटका हुआ कह रहा था जल्दी से मुझे नीचे उतारो, तो एमसी कहता है लेकिन क्यों। वह बंदा बताता है क्योंकि अब तुमने मेरे चेहरे को देख लिया है तो तुम्हें पता होना चाहिए मुझे लॉर्ड प्योंग ने यहाँ पर भेजा था, तुम मुझे चोट पहुँचाकर सही सलामत नहीं रह पाओगे, इसीलिए जल्दी करो और उस सीक्रेट बुक के साथ मुझे आजाद कर दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं लॉर्ड प्योंग को तुम्हारी जान बख्शने के लिए मना लूंगा। जो सुन जंग अपने मन में कहता है ओह तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तो ठीक है। इतना सोचने के बाद वह अपने चाकू को बाहर निकालते हुए कहता है मुझे माफ कर देना तुम्हें निराश करने के लिए, पर अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे यह करना ही होगा। जो देख वह बंदा घबराते हुए कहता है तुम कर क्या रहे हो, रुक जाओ मैं लॉर्ड प्योंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। पर जंग तब तक उसकी उंगली को काट दिया होता है और कहता है अपने मुंह को बंद करो, यह अभी के लिए क्यूज टाइम है तो चलो मुझे बताओ यह उंगली किसकी है। वह बंदा जिस पर कहता है आखिरकार उसने मेरी उंगली को कब काटा, मुझे तो यह एहसास भी नहीं हुआ और न ही मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी महसूस हो रही है। तभी जॉन्ग कहता है क्या तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे कुछ पूछा है, यदि तुम आंसर नहीं करते हो तो हर सेकंड मैं तुम्हारी हर एक उंगली को काट दूंगा, इसीलिए बताओ आखिरकार तुम्हें मेरे ब्रदर ने क्यों यहां पर भेजा था। इसी के साथ वह फिर से उसकी दूसरी उंगली को भी काट देता है। वह बंदा जिस पर रोते हुए कहता है रुक जाओ मैं बता रहा हूं। लेकिन भाई साहब जंग वह हर एक बीत से सेकंड के साथ उसकी उंगली को काटता हुआ जा रहा था और वह बंदा दर्द के मारे गालियां देते हुए बोल रहा था तुम दानव कहीं के रुक जाओ मुझे बोलने का मौका तो दो। पर जंग उसके दोनों हाथों की उंगली को पूरी तरह से तब तक काट चुका था, वहीं वह बंदा केवल चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो जंग कहता है मैं ऑलरेडी तुम्हारे अंगूठे तक पहुंच चुका हूं तो क्या तुम अभी भी नहीं बताने वाले हो। जिस पर वह बंदा बताना शुरू करता है लॉर्ड प्योंग बस जानना चाहते थे कि क्या तुमने सच में मार्शल आर्ट को खो दिया है। जंग जो कि सुन कहता है आखिर वह किस तरह की बातें कर रहा है, क्या यह झूठ सर जैम ने उसे बताया है। इतना सोचने के बाद वह कहता है ठीक है अगला सवाल क्या यह चीज तुम्हें सर जैम ने बताया है, पर लगता है कि उसने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया है। उस बंदे हेलसन के मन में जो कि सुन बहुत ही सारे सवाल तुरंत ही पैदा हो जाते हैं। वह कहता है क्या उसे पहले से पता था कि सर जैम उसे धोखा दे रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सर जैम केवल उसका जासूस था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो वो मुझे कभी भी टॉर्चर नहीं करता इन सारी चीजों के लिए है। इतने में ही जॉन्ग कहता है चलो अब मेरे पास और कोई भी सवाल नहीं बचे हैं। तो अब इतना बोलते हुए वह अपने रूप को पूरी तरह से भयानक कर लेता है, जिसको देख वह बंदा इल्सोंग वह और भी ज्यादा घबरा चुका था और तुरंत ही कहता है मैं कसम खाता हूँ। जॉन्ग भी जो कि सुन थोड़ा सा हैरान हो चुका था, वही वह बंदा बताते हुए कहता है मैं अपनी वफादारी की शपथ लेता हूँ मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आप कितने चतुर हैं, आप ही हैं जिसको कि योनमोक का अगला लॉर्ड होना चाहिए, मैं योनमोक के आने वाले भविष्य के लिए आपकी मदद करूंगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम समर्पित करता हूँ, प्लीज आप ऐसा मत करिए, मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जॉन्ग जो कि सुन कहता है ओह तो ऐसी बात है, चलो ठीक है मुझे अभी भी तुमसे एक काम करवाना था जिसके लिए तुम्हें तुरंत अभी मेरी मदद करनी पड़ेगी, पर यार पता नहीं क्यों मुझे उसकी हंसी लेकर कुछ तो गलत महसूस हो रहा है। खैर वह बंदा जो कि सुन सोचता है चलो मैं बच गया, जिसके बाद वो कहता है आप बस आज्ञा करिए मैं हर एक चीज करने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा। आगे वो कुछ बोल पाता तभी जंग उसके गले को काट देता है और वो बंदा यार बहुत ही बुरी मौत हुई इसकी। जंग कहता है तुमने खुद कहा था तुम अपनी जिंदगी मुझे समर्पित कर रहे
हो? मैं बस तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड ले रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने पास से वही ह्यूमन स्किन वाले किताब को बाहर निकालते हुए कहता है, मैंने कोशिश की थी पर इन मोतियों को बलपूर्वक हटाया नहीं जा सकता। जरूर यह वही सील होगी जिसके बारे में डिक्शनरी ऑफ द स्कूल ऑफ नेचुरलिस्टिक में बताया गया था। इस सील को केवल अशुद्ध ब्लड के साथ ही कमजोर किया जा सकता है। हम देखते हैं जोंग ने उस किताब को पूरी तरह से हिल्सन के ब्लड से भर दिया था और वही बगल में खड़ा उसे बड़े ही गौर से देख ही रहा होता है। तभी थोड़े ही समय बाद उस किताब पर लगे हुए सभी मोतियां वह टूटना शुरू हो जाती है, यानी कि सील अब टूट चुकी थी। जिसको देखते हुए जोंग कहता है, चलो अब समय आ चुका है यह देखने की इसके अंदर है क्या। पर आगे वो कुछ कर पाता उसी समय विनाश शुरू हो जाता है, क्योंकि इल्सन का ब्लड वह देखते ही देखते चारों तरफ कमरे में फैलना शुरू हो गया था और उस पूरी जगह को अपनी चपेट में लेने की कोशिश करने लगा हुआ होता है। जोंग जिसको देख पूरी तरह से हैरान होते हुए कहता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? लेकिन उतने में ही उसके सामने उस ब्लड से कुछ तो अपीयर होने लगा था। उसे देखते हुए जोंग भी सोच में पड़ गया था कि आखिरकार यह चीज है क्या। लेकिन वही हम उस चीज को देखते हैं जो कि पता नहीं यार कौन सी साइज में है। वह बिल्कुल ही किसी अलग दुनिया की चीज में बदलते हुए हम देख पाते हैं। उसके पूरे कंप्लीट हो जाने के बाद उसके अंदर से कोई बाहर निकलता है जिसकी एनर्जी हर एक चीज को तबाह करने के लिए काफी था। लेकिन जोंग इस सिचुएशन में भी किसी तरह खुद को संभाले खड़ा था। पर जब थोड़ी समय बाद सारी चीजें शांत होता है तो वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो उसके होश उड़ चुके थे। वे दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके थे जहां पूरी जगह रेड ब्लड में डूबा हुआ था और कहीं भी कुछ भी नहीं था। बस उसके सामने एक एंटिटी थी जिसकी पावर उसे देखने से ही पता चल रहा था कि उसकी पावर कितनी भयानक है। लेकिन तभी वह बिना कुछ बोले सीधे जोंग की ओर बढ़ती है और अंत में हम उसकी खूबसूरती को देख पाते हैं। लेकिन इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगला एपिसोड आप लोगों के 1000 कमेंट पूरा करने के बाद ही आएगी, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक ही आदमी टारगेट को पूरा करो या सब मिलकर करो, बस टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। मैं तुरंत नए एपिसोड को लेकर आ जाऊंगा। अगर आप लोग टारगेट को आज ही पूरा कर दोगे तो क्या पता आज ही मैं डाल दूं एपिसोड को, इसीलिए कोई भी बिना कमेंट करके मत जाना। बाकी तब तक के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हो। स्टोरी अच्छी है तो आप लोगों को मजा आएगा।